हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आप लोगों का एडी ग्रुप में यानी कि हमारे एडी ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। तो हम लोग जल्दी से क्लास को प्रारंभ करेंगे और आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर भी कीजिएगा और फिर देखते हैं आप लोगों का देख महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम पर लगाए थे तो वहीं से आगे हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि तब सप्लाई का दिक्कत आई थी मेरी लास्ट वाली मैराथन में, बीच में ही बंद हो गई थी। तो वहीं से आगे हम लोग सेशन को शुरू करेंगे। तो देखिएगा, आज के लिए हमारा पहला सवाल क्या देखने को मिल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों, पहला सवाल जो हमारे पास दिया गया कि भारतीय साइक्लिस्ट का नाम बताएं जिसने एशियन ट्रैक चैंपियनशिप में सिल्वर जीतकर इतिहास रच दिया। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि ये किससे संबंधित है। रोनाल्डो सिंह, रोनाल्डो सिंह जो कि किससे आपके साइकिलिंग से संबंधित है। और देखिए, जो साइकिलिंग के जो खेल परिसर है उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे कहते हैं आपका वेलोड्रम, वेलोड्रम कहा जाता है। ठीक है ना, वेलोड्रम, साइकिलिंग के खेल परिसर को वेलोड्रम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वेलोड्रम के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या पूछा गया, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस। यहाँ पर क्या पूछा आपसे, द लाइफ एंड विद्यार्थी टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, ये बुक के किस लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, ये बुक किसने लिखी है। राहुल विद्यार्थियों, राम गुडम के द्वारा लिखी गई या किसके द्वारा लिखी गई, तो ये लिखी गई आपके राहुल राम गुडम के द्वारा लिखी गई बुक है, जो 2022 में आपकी क्या होती है, समझो आपका रिलीज होती है। और जॉर्ज फर्नांडिस पर लिखी गई, पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व में क्या रह चुके हैं, आपके कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, चलेगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, अगला सवाल पूछा गया वन हेल्थ विद्यार्थियों पायलट इनिशिएटिव की बात की गई। ठीक है ना, यानी कि ये जो इंटेंटिव आपका किस शहर में शुरू किया गया है, वन हेल्थ पायलट जो आपका इंटेंटिव की बात की पहल की जो शुरुआत की गई, तो ये भारत के कौन से शहर में किया गया, तो इसे किया गया आपका कहां पर, बेंगलुरु के अंदर। ठीक है, जब आप बेंगलुरु जाते हो ना, तो यहां पर हमें एक नेशनल पार्क देखने को मिलता है, बन्नेर घट्टा, बन्नेर घट्टा विद्यार्थियों, जो हमारा नेशनल पार्क है वो कहां पर है, बन्नेर घट्टा नेशनल पार्क हमें जो देखने को मिलेगा तो वो कहां पर, बेंगलुरु के अंदर। और एकमात्र आपका क्या है, ये तितली उद्यान है, भारत में एकमात्र बटरफ्लाई जो आपको उद्यान देखने को मिलेगा तो कौन से देखने को मिलेगा, तो विद्यार्थी हमारा। ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न देखेगा, किस देश ने अंतरिक्ष में जुलजाना क्या दिया गया, विच कंट्री हैज लॉन्च सॉलिड विद्यार्थियों फ्यूल्ड रॉकेट नेम्ड जुलजाना करके। ठीक है, इनटू स्पेस की बात की जा रही है, किस देश ने अंतरिक्ष में जुलजाना नामक ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया है, किस देश के द्वारा ये रॉकेट लॉन्च किया गया, ऐसा सवाल हमसे पूछा जा रहा है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ये है ईरान। यदि आपको ईरान भेज दिया जाए तो ईरान की करेंसी क्या है विद्यार्थी हमारे, तो ये है आपका टोमैन। ठीक है, ईरान की पार्लियामेंट को किस नाम से जानते हो, तो ईरान की पार्लियामेंट को मजलिस के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, ईरान की पार्लियामेंट को मजलिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और टोमेन क्या हो गई, यहाँ की करेंसी हो गई ईरान की। ठीक, उसके साथ साथ ईरान से जुड़ा हुआ एक सवाल और बनता हमारा, तो चाबहार पोर्ट की बात करें हम लोग, चाबहार पोर्ट, चाबहार बंदरगाह जो कि कहां पर है, ईरान के अंदर है, और इसे डेवलप करने में कौन कौन से कंट्रिया है, ईरान हो गया और कौन से आपका अफगानिस्तान हो गया और इंडिया हो गया, तो ये तीन देशों के सहयोग से आपका विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तीन देशों के सहयोग से इसे विकसित किया जा रहा है, किसे, तो याद रखिएगा ईरान के अंदर जो आपका। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नेशनल स्टैटिक डे के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, राष्ट्रीय विद्यार्थियों सांख्यिकी दिवस के रूप में हम लोग जानते हैं आपके किसके बारे में, सीएसओ के बारे में, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1951 में भारत में क्या हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, उसके साथ साथ देखिएगा प्रत्येक वर्ष 20 देखिएगा सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हमारे 29 जून को आता है। ठीक है, यहाँ नवंबर आ गया,
यहाँ नवंबर आ गया ना, इसलिए मैं को ऑप्शन ढूंढने में, देखिए 29 जून को, प्रत्येक वर्ष 29 जून को किस रूप में मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है हमारा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में। राष्ट्रीय विद्यार्थियों सांख्यिकीय दिवस के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है? राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। चलिएगा, गुड आफ्टरनून बच्चा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या हमारा यहां दिया गया, भारतीय हॉकी के दिग्गज और स्वर्ण पदक विजेता 1975 के विश्व कप टीम के सदस्य वरिंदर सिंह का निधन हो गया है, तो उन्हें ध्यानचंद अचीवमेंट अवार्ड से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? हमसे सवाल पूछा गया, वरिंदर सिंह किस खेल से संबंधित हमारे, तो ये जिनके हाल में निधन हुआ, तो ये हॉकी से संबंधित है, ठीक है ना? हॉकी से संबंधित है। और सवाल क्या पूछा गया आपका, तो याद रखना 2007 में, कब विद्यार्थी आपका 2007 में वरिंदर सिंह का निधन हो गया, तो उन्हें किस वर्ष ध्यानचंद अचीवमेंट अवार्ड मिला था? तो ये 2007 में उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। गुड, राधे राधे बच्चा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया गया, ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए किन दो देशों ने आवेदन किया है? देखिए आपने कहा सर पीडीएफ, तो पीडीएफ आप लोगों को कहां पर पीडीएफ की आवश्यकता है वहां पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे आपको, ठीक है? संजय बच्चा, कौन पर, किसने कहा था पीडीएफ के लिए? तेजस, तेजस कह रहे ना, तेजस जहां आप कहें वहां पर पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे, चलेगा। तो देखिए ब्रिक्स, आप लोग जानते हो ब्रिक्स के बारे में, थोड़ा मैं आपको ब्रिक्स के बारे में बता देता हूं। ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइज संगठन है, ब्रिक्स विद्यार्थी हमारा क्या है, संगठन है, यानी कि ब्रिक्स हो गया आपका ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, ठीक है? ब्राजील ये क्या है, बी क्या है विद्यार्थी आपका, तो ये ब्राजील है, ये आपका ब्राजील हो गया, ठीक है? आर क्या हो गया विद्यार्थी यहां पर, तो ये रशिया हो गया हमारा, ठीक है? आई क्या हो गया विद्यार्थियों, इंडिया हो गया, ठीक है ना, ये इंडिया हो गया। सी यहां पर क्या हो गया आपका, चाइना हो गया। और एस क्या है विद्यार्थी हमारा, तो ये साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है? तो चलेगा, अब देखेगा इसका, अगर बात करें इसमें 5 देश है, अब उनमें से किन दो देशों ने इसके मेंबर बनने की बात करी, आवेदन किया है, तो ये दो देश आपके ईरान और अर्जेंटीना भी ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहते हैं, ईरान और अर्जेंटीना। राकेश कुमार बच्चा नमस्कार, नमस्कार, ठीक है? ईरान और अर्जेंटीना भी इसके क्या बनना चाहते हैं, मेंबर बनना चाहते हैं, ठीक है? ईरान और अर्जेंटीना, समझ लो। चलेगा, अगले सवाल की तरफ चलेंगे, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो 2022 में चुने गए वो किसे चुना गया है? दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जिन व्यक्ति को चुना गया है वो कौन है? तो ये आपके सतीश चंद्र शर्मा करके, ठीक है ना? सतीश विद्यार्थी चंद्र शर्मा जिन्हें मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है, ठीक है? मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्हें चुना गया आपका। चलिएगा, अगला सवाल देखिए, मोहम्मद जलूद को अंतरराष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग, इंटरनेशनल यानी कि वर्ल्ड आपका क्या है, यानी कि ये आपका वेट लिफ्टिंग फोरम है, ठीक है? इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया, तो वर्ल्ड इंटरनेशनल जो आपका क्या है विद्यार्थियों, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग जो फेडरेशन है इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय आपका कहां पर है, लोसाने के अंदर। सर ये लोसाने कहां पर है हमारा, तो लोसाने स्विट्जरलैंड में होता है। लोसाने कहां पर है विद्यार्थी आपका, ये स्विट्जरलैंड के अंदर हमारा हमें देखने को मिलेगा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है? कहां पर आपका, स्विट्जरलैंड के अंदर है। चलेगा, अगला प्रश्न, सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी कौन बनेंगे? 4 ग्रैंड स्लैम का मतलब सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर हमारा कौन सा आएगा, फ्रेंच आएगा, है ना? फिर कौन सा आएगा विद्यार्थियों, विंबलडन आएगा आपका, और लास्ट में कौन सा आता है, यूएस ओपन आता है। इन चारों को मिलाकर क्या बनते हैं हमारे, तो इन चारों को मिलाकर ग्रैंड स्लैम बनता है, ठीक है? अब चारों ग्रैंड स्लैम को मिला, देखिए इतिहास में पहले खिलाड़ी, यूएस
ये कौन बने आपके, तो ये हैं नोवाक जोकोविच। सभी चार ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये नोवाक जोकोविच बने हैं। कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच। आए समझ में? चल नेक्स्ट सवाल देखिए, यहां पर क्या पूछा गया, किस केंद्रीय मंत्री ने डाक विभाग में ई लर्निंग पोर्टल, देखिए कौन सा आपका ई लर्निंग विद्यार्थी पोर्टल यानी कि डाक कर्मयोगी लॉन्च किया है, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च विद्यार्थियों, यहां पर क्या दिया गया, डाक कर्मयोगी जो ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया गया, तो ये किसके द्वारा किया गया, ये किया गया विद्यार्थी हमारे अश्वनी वैष्णव, देखिएगा किसके द्वारा, अश्वनी वैष्णव। आए समझ में? अश्वनी वैष्णव के द्वारा, यानी अश्वनी वैष्णव जो केंद्रीय कैबिनेट में क्या है हमारे अभी, तो ये रेलवे मंत्री है। कौन से है विद्यार्थी हमारे, तो रेलवे मंत्री है केंद्रीय कैबिनेट में अश्वनी वैष्णव। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नया नाम क्या है, ये सवाल आपका एसएससी के अंदर पूछ लिया, समझो एसएससी जेई में भी पूछा गया था सवाल आपका, ये सवाल हमारे पास जो दिया गया आपसे क्या पूछ रहे कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नया नाम क्या है, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नया नाम क्या है, संभाजी नगर। कौन सा है विद्यार्थी आपका, संभाजी नगर, संभाजी नगर आएगा, ठीक है ना, संभाजी नगर आएगा। चलिए संभाजी नगर आपका। महाराष्ट्र के वर्तमान समय पर सीएम कौन है, अगर हमसे सवाल पूछा जाता है कि महाराष्ट्र के वर्तमान सीएम कौन है या वर्तमान गवर्नर कौन है, तो महाराष्ट्र के विद्यार्थियों वर्तमान सीएम कौन है, तो सीएम आपके कौन है विद्यार्थी, सीएम एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे वर्तमान समय पर शिंदे, ठीक है ना। और गवर्नर कौन है आपके, तो ये भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह विद्यार्थियों कोश्यारी वर्तमान समय पर महाराष्ट्र के क्या है, गवर्नर है विद्यार्थियों, राज्यपाल है। अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से किन दो देशों को नाटो में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज हैव बीन इनवाइटेड, ठीक ना, हैव बीन इनवाइटेड टू ज्वाइन नाटो, नाटो यानी कि हमारा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक विद्यार्थी हमारा कौन सा आएगा, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई, ठीक है, नाटो। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो नाटो की हुई थी हमारे बच्चे कब, 1949 में। नाटो का मुख्यालय कहां पर है हमारा, तो ये ब्रुसेल्स के अंदर है, ठीक है ना, और ब्रुसेल्स के अंदर इसका मुख्यालय है। इसमें टोटल मेंबर कंट्री कितने हैं, तो सदस्य देशों की संख्या इसमें 30 है, और जो ध्यान रखेगा दो आमंत्रित देश यानी कि इनवाइट किया गया कि आप इसके मेंबर बन सकते हैं, लेकिन अभी बने नहीं। हाँ, जो 30वां बना था वो नॉर्थ मैसिडोनिया था, जो 30वां इसका मेंबर बना था वो कौन सा था, नॉर्थ मैसिडोनिया, ठीक है। तो देखेगा इसमें राइट आंसर क्या बनेगा हमारा, तो राइट आंसर आएगा फिनलैंड और स्वीडन, देखिए फिनलैंड और स्वीडन बने हैं, ठीक है, जो इसके बने नहीं आमंत्रित किए गए, नहीं फिनलैंड और किसे, स्वीडन को आमंत्रित किया गया, बने नहीं, यूक्रेन इसका मेंबर नहीं है, यूक्रेन इसका मेंबर नहीं है, साथ में ध्यान रखेगा यूक्रेन इसका मेंबर नहीं है। चलेगा अगला प्रश्न आप लोगों के साथ दिया गया कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, हु हैज बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो नए मुख्यमंत्री आपके कौन है, देवेंद्र फडणवीस विद्यार्थियों या एकनाथ शिंदे, क्योंकि अब महाराष्ट्र में जो अलायंस है वो किसका है, तो ये शिवसेना और बीजेपी का अलायंस है, ठीक है ना, वहां पर इस समय पर शिवसेना और बीजेपी का अलायंस है, कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, महाराष्ट्र में। चल आगे चलेंगे, आगे देखेगा अगला सवाल, जो भारत में विद्यार्थी जो लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडियन ब्रोकन राइस,
भारत के जो टूटे हुए चावल है ना, इसका सबसे बड़ा जो इंपोर्ट कर रहा है वो कौन सी कंट्री कर रहा है? ठीक है, देखिए, तो टूटे हुए चावल का सबसे बड़ा आयातक बना है तो कौन बना है? चाइना, भारत का पड़ोसी देश चाइना। अगर आपको चीन भेजा जाए और चीन की करेंसी पूछी जाए तो यहाँ की करेंसी क्या है? युआन यहाँ की करेंसी हो गई। चीन का विद्यार्थी हो, नेशनल गेम क्या है? तो नेशनल गेम आपका टेबल टेनिस है। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस वहां का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का? चीन का। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला सवाल, फेमिना मिस इंडिया 2022 का ताज किसने जीता? फेमिना विद्यार्थियों, मिस इंडिया 2022 का जो ताज जीता वो किसने जीता? तो ये यहां पर क्या दिया गया आपका? रूबल विद्यार्थियों, शेखावटी या सिनी सेठी या मनाशा, आपका वाराणसी की बात की गई तो किसने जीता ये? तो ये इस बार जीता आपका सिनी सेठी ने। फेमिना मिस इंडिया 2022 का जो खिताब जीता है तो वो किसने जीता है? बिल्कुल सिनी सेठी ने जीता है। सिनी सेठी, ठीक है, सिनी सेठी को इस पुरस्कार से इस बार इस ताज के लिए चुना गया। ठीक है, अगला सवाल, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, फाइनेंशियल विद्यार्थियों, एक्शन टास्क फोर्स, ये सवाल पूछा जाता आपसे कि देखिए ये स्टैब्लिश कब हुआ था? 1989 में। ठीक है ना, और 1989 में जो G7 विकसित देशों का समूह है, जो 7 विकसित देशों का क्या है आपका समूह है, इस समूह के द्वारा इसे क्या किया गया था आपका? बनाया गया था। ठीक है ना, तो आपसे सवाल पूछा जाता है तो FATF की अगर बात करेंगे तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो टी राजा कुमार को चुना गया है। टी राजा कुमार को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और वैसे भी जो हमारे बच्चे रेगुलर हैं या कोर्सों के अंदर, मैंने आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में पढ़ा भी रखा है, आप लोगों को डिटेल में विद्यार्थियों समझा रखा है इसके बारे में। ठीक है ना, चलिए प्रभु अगला सवाल, नारी को नमन किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ठीक है, यहां पर क्या दिया गया? तो देखिए नारी को नमन, नारी को विद्यार्थियों नमन, नारी को नमन ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो नारी को नमन जो योजना शुरू की गई है वो कौन से राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई। और ये सवाल यूपी पैट के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, यूपी पैट में भी ये सवाल आपका आया था। ठीक है ना सर, G8 से रशिया बाहर हो गया? हाँ बिल्कुल बच्चा, देखिए अच्छा बता रहे हो कि G8 से पहले ये G8 था ना, जब रशिया बाहर हुआ तभी ये G7 बना, मतलब आप बता रहे। अच्छा ओके, बताया था आपने कि सर बाहर हो चुका है, आगे चलेगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? हिमाचल प्रदेश आएगा, हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल, महाराष्ट्र में विधानसभा, क्योंकि वहां पर नया गठबंधन बना आपका NDA और शिवसेना का, तो नई जो सरकार बनी उसमें विधानसभा अध्यक्ष के रूप में जो शपथ लिया वो किसने लिया? वो हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू महाराष्ट्र एम्बेसी, जो आपका असेंबली स्पीकर, तो कौन बने हैं आपके? राहुल विद्यार्थियों नार्वेकर, राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया, नाबार्ड के सहयोग से ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC द्वारा आयोजित 3 दिवसीय, यहां पर क्या दिया गया? ग्रैंड विद्यार्थियों हैथॉन, हैकथॉन किसने लॉन्च किया है? ग्रैंड विद्यार्थियों हैकथॉन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नाबार्ड क्या है? नाबार्ड क्या है? नाबार्ड भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर में आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्या आएगा? बैंक आएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर, समझ, नेशनल बैंक फॉर विद्यार्थियों एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट कब बना था? 1982 में इसकी स्थापना होती है शिव रामन कमेटी के अनुसार, शिव रामन कमेटी के अनुसार इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका? पीयूष गोयल आएगा। क्या आएगा विद्यार्थियों? पीयूष गोयल चलेगा। इसका आंसर क्या आएगा आपका?
पीयूष गोयल आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल, महिलाओं की 3000 मीटर दौड़ देखेगा, जो 3000 मीटर की जो रनिंग थी तो 9 मिनट का समय में पूरा करने वाली भारत की पहली महिला एथलीट बनी है, फर्स्ट एथलीट विद्यार्थी फ्रॉम इंडिया। तो देखिएगा क्या दिया गया आपका कि 9 मिनट में इन्होंने क्या किया हमारा, तो 3000 मीटर की यानी कि 3 किलोमीटर रनिंग को पूरा किया है। तो ये किसने, पारुल चौधरी। पारुल चौधरी के आपका एक स्प्रिंट जो आप रनर है आपकी पारुल चौधरी, पारुल चौधरी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया सेना। अब ये क्या आपका सेना कंट्री की बात की गई, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन्हें कहा जाता है आपका सेना, ठीक है। सेना देशों में 100 विकेट लेने वाले छठे भारतीय जो गेंदबाज बने तो वह कौन से बने आपके, जसमीत बुमराह। जसमीत बुमराह जिन्होंने क्या किया आपका 100 विकेट यानी कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, तो इन देशों में 100 विकेट लेने वाले जो गेंदबाज बने हमारे, तो जसमीत बुमराह। किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना शुरू की थी, ये क्वेश्चन भी आपके यूपी पैट के अंदर पूछा गया था, समझो यूपी पैट के अंदर भी पूछा गया था। तो ये उन लोगों के लिए जो लास्ट टाइम पर ये कमेंट्स करके गए थे कि सर जो आपने पढ़ाया वो क्वेश्चन हमें कहीं दिखता नहीं है, तो देख लीजिएगा कहां कहां दिखता नहीं, जब आप क्लास में दिखोगे तभी तो क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में पेपर में दिखेगा। अब मैं बरसाती मेंढक बन के लास्ट के 10 दिन में आता हूं, ठीक है ना, तो फिर तो आपको क्वेश्चन जरूर दिखेगा। जो देखिए मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं जो रेगुलर क्लास में रहते हैं, ये जमाना गया और आप उन लोगों को फॉलो करोगे जिन्होंने 2014-15 में एग्जाम कभी अगर दिया होगा, 2015-16 में अगर कभी दिया होगा तो उस जमाने में हुआ करता था। आज के टाइम पर आपको अगर बहुत सारे बच्चे अभी इस क्लास में उपस्थित हैं जो रेगुलर सुबह की 5 बजे से क्लास देखते हैं, चाहे वो 1 घंटे क्लास देखते हैं, जीएस देखो, करंट अफेयर देखो, लेकिन आज के समय पे आपको पढ़ना पड़ेगा तभी तो कर पाओगे। ऐसा थोड़ी नहीं कि बरसाती मेंढक बन के लास्ट के 10 दिन में आगे हो गया जी, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है ना। चलेगा तो देखिएगा काशी किसकी है विद्यार्थियों, ये कर्नाटक की है, ठीक है। तो आपने कॉमेंट्स बॉक्स में देखा होगा कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे आंसर लिखे हैं कि जब हम कर्नाटक जाएंगे तो यहां पर आपको एक लोक नृत्य भी दिख जाएगा, यक्षगान, ठीक है ना, यक्षगान आपको दिख जाएगा। यक्षगान के अलावा आपको कौन सा दिखता है यहां पर, तो यहीं पर आपको भूत कोला भी दिखता है आपको। उसके साथ साथ देखे आप जगह जाओगे तो कंबाला भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, कंबाला भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखे, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विद्यार्थियों प्रशासकों की सहमति सहायता के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है। सवाल देखिए, सुप्रीम कोर्ट की यहां पर बात की जा रही है, तो नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए जो सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया वो किसे चुना गया, ठीक है, वो किसे चुना गया, ऐसा सवाल आपसे पूछ रहा है। तो कौन चुनेंगे, रंजीत बजाज को चुना गया है। किसे चुना गया, रंजीत बजाज को चुना गया है, ठीक है। अब यहां पर देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात की गई, किसकी बात की गई आपके, तो सुप्रीम कोर्ट की बात की गई। सर सुप्रीम कोर्ट में अगर बात करें विद्यार्थियों, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 में दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, 33+1 यानी कि 34 होती है। और ध्यान दीजिएगा, और क्या ध्यान देना विद्यार्थियों हमें, और क्या ध्यान देना है, ध्यान रखिएगा वर्तमान समय पर जो 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका नाम क्या है, DY चंद्रचूड़। कौन बने हैं आपके, DY विद्यार्थियों, चंद्रचूड़ बने हैं, ठीक है ना, DY चंद्रचूड़ वर्तमान समय पर भारत के क्या है, मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। चल अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया, अंतरराष्ट्रीय जो पतंगबाजी चैंपियनशिप का 3रा एडिशन हुआ तो वो कहां पर आयोजित किया गया, यानी कि ये 2022 में
इंटरनेशनल जो काइट फेस्टिवल का आयोजन हुआ, थर्ड एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल काइट विद्यार्थियों फ्लाइंग जो चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, तो ये हमारे कहां पर हुआ, तो ये तमिलनाडु के अंदर, इसका आयोजन कहां पर, तमिलनाडु में, कहां पर हुआ विद्यार्थी, ये तमिलनाडु के अंदर इन खेलों का आयोजन हुआ। अगला प्रश्न देखेगा मैरिना विद्यार्थियों ब्याजोवास को विद्यार्थी जो गणित के लिए फील्ड्स मेडल, ठीक है ना, फील्ड्स मेडल 2022 प्राप्त करने वाली दूसरी महिला बनी, तो कौन से कंट्री को रिप्रेजेंट करती हैं, फील्ड्स मेडल 2022 प्राप्त करने वाली दूसरी महिला बनी मैरियाना ब्याजोवस्का, समझो यहां पर क्या विद्यार्थियों, मारियान, ठीक है ना, मारियाना ब्याजोवस्का हु बिकम द सेकेंड वुमेन विद्यार्थी टू रिसीव फील्ड मेडल 2022 फॉर द मैथमेटिक्स, शी इज बिलोंग टू विच कंट्री, तो कंट्री कौन सी आपकी, यूक्रेन, यूक्रेन की कैपिटल कौन सा है, तो यूक्रेन की कैपिटल कीव आएगा, ठीक है ना, और यूक्रेन में एक आपका कौन सा चेर्नोबिल घटना होती है, चेर्नोबिल, चेर्नोबिल की विद्यार्थी जो घटना होती है ये एक एटॉमिक डिजास्टर था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन के अंदर जो चेर्नोबिल की घटना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी, जो कि एक एटॉमिक डिजास्टर था, ठीक है, यूक्रेन की कैपिटल कीव है, बिल्कुल आप सही बताया आप लोगों ने, लेकिन हमसे सवाल पूछा गया कि चेर्नोबिल की घटना कब हुई थी, तो यह हुई थी आपका 26 अप्रैल को, 26 अप्रैल 1986 को यह घटना हुई थी, 26 अप्रैल 1986 को चेर्नोबिल की घटना हुई थी, आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं यूक्रेन से भारतीय स्टूडेंट को वापस लाया गया तो उस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया, भारतीय, देखिए यूक्रेन और जो अभी विवाद चल रहा है ना, जो रशिया और यूक्रेन का विवाद चल रहा है, तो यूक्रेन से भारतीय जो विद्यार्थी स्टूडेंट को, उनको वहां से वापस लाया गया, तो सेना के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम क्या था, तो ऑपरेशन गंगा के तहत लाया गया, ऑपरेशन विद्यार्थियों गंगा के तहत लाया गया, ऑपरेशन गंगा के तहत वापस लाया गया, ठीक है ना, ऑपरेशन गंगा, आगे समझ में, ऑपरेशन गंगा के तहत वापस लाया गया था। चलेगा अगला सवाल, यहां पूछा गया हमारे पास एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, क्या दिया गया आपका, एसोसिएशन ऑफ विद्यार्थियों इंडियन यूनिवर्सिटी, भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष, गुड आफ्टरनून बच्चा, गुड आफ्टरनून संदीप कुमार, राकेश कुमार, चलिए गुड आफ्टरनून चलेगा, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा हमारा, तो सुरंजन विद्यार्थी दासो, ठीक है ना, सुरंजन दासो जो कि AIU भारतीय विश्वविद्यालय संघ एशियन ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष के रूप में चुनेगे। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2022 की मेजबानी कौन से देश ने करी, देखिए विद्यार्थियों G20 क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, G20 एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें देशों की संख्या कितनी है, यानी कि इसमें 19 तो क्या है आपका देश है, कंट्री है, और एक क्या है विद्यार्थी इसमें ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन कौन सा आपका EU यूरोपियन यूनियन, इसका क्या है इसमें सदस्य है यूरोपियन यूनियन, ठीक है ना, तब इसका नाम क्या पड़ा G20 पड़ा, ठीक। अब G20 आपके जो सम्मेलन है वो लगातार आपके पिछले 3 बार के मैं बता देता हूं, 2021 2022 और 2023 ये 3 सम्मेलन अगर आपसे पूछेगा, तो 2021 में ये कहां पर हुए थे, तो 2021 में इटली के अंदर, 2022 में कहां पर, तो इंडोनेशिया के अंदर, और 2023 में कहां पर होगा, तो ये हमारे इंडिया में होगा, भारत इसे होस्ट करेगा, ठीक है। चलेगा ठीक है ना, गुरुजी चेर्नोबिल में क्या हुआ था, राकेश कुमार बच्चा चेर्नोबिल में एटॉमिक डिजास्टर, यानी कि वहां पर न्यूक्लियर जो घटना हुई थी आपकी, ठीक है ना, कौन सी न्यूक्लियर, यहां पर विद्यार्थी आपका न्यूक्लियर जो घटना, चेर्नोबिल क्या है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है,
ठीक है। और इससे पहले आपको पता है, आपको मैं बता दूं विद्यार्थी हो कि देखिएगा जो है ना आपका 1991 में यूक्रेन क्या हुआ था, आपका अलग कंट्री बना था, समझो यूक्रेन अलग देश बना, किससे अलग हुआ तो यूएसएसआर से, यानी कि सोवियत रशिया से अलग हुआ। और रशिया के जो भी विद्यार्थी आपका परमाणु कार्यक्रम थे, तो जैसे आज इंडिया का कहां पर होता है, पोखरण राजस्थान में होता है, उसी तरह से रशिया का हिस्सा का ज्यादा से ज्यादा कहां पर होता था, तो इसी क्षेत्र में। लेकिन अब देखिएगा यूक्रेन को कहा गया कि आपको शामिल किया जाएगा, यूएन वगैरह में शामिल किया जाएगा, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसे जो वहां पर एटॉमिक जो चीजें हैं उसे क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें से एक चेर्नोबिल की घटना भी है, चेर्नोबिल परमाणु घटना, ठीक है ना। चलिए तो आगे चले हम लोग, आगे देखे तो इसका राइट आंसर क्या आपका, इंडोनेशिया, G20 2022 में इंडोनेशिया। सवाल पूछा गया आपका अरुण जेटली मेमोरियल विद्यार्थी लेक्चरर, ठीक है ना, तो मैं भाग लिया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अटेंड किया फर्स्ट अरुण जेटली विद्यार्थी मेमोरियल लेक्चर की बात की गई, तो कौन से शहर में, तो इसका आयोजन हुआ था हमारा कहां पर, नई दिल्ली के अंदर, कहां पर हुआ था, नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है, चलिए नेक्स्ट सवाल, दिल्ली में विज्ञान भवन में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफेंस विद्यार्थियों क्या होता है, सम्मेलन होता है, एक तरह से विद्यार्थियों यहां पर क्या होता है आपका, तो ये सम्मेलन हुआ था, तो इसका आरंभ किसके द्वारा किया गया, इसे अब आरंभ किसने करा, तो भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा की गई थी, एडिल्फ करके था, ठीक है ना। ये क्या था विद्यार्थी आपका, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस, ठीक है। तो ये प्रदर्शनी जो आपको देखने को मिली, तो कहां पर देखने को मिली आपका, दिल्ली के अंदर। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा राज्य, देखिए भारत के किस राज्य के द्वारा, हम लोग सभी जानते हैं ना अभी नेशनल गेम का आयोजन हुआ, कौन से गेम का आयोजन हुआ, नेशनल गेम, सर नेशनल गेम कौन से नंबर के हुए थे ये, तो ये 36 हुए थे, और 36वें जो नेशनल गेम हुए कब, 2022 में, इसे होस्ट किसने किया, तो ये हमारे गुजरात राज्य के द्वारा 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया, जो वो किसने किया, तो 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुए, कहां पर हुए, तो ये आप विद्यार्थी हमारा गुजरात के अंदर, ठीक है ना। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर हुआ, तो गुजरात के अंदर हुआ, कहां पर हुआ, गुजरात के अंदर हुआ, ठीक है। चलेगा अगला सवाल, देखिए बैडमिंटन, देखिएगा विमल्डन महिला एकल का खिताब 2022 में किसने जीता, देखिए विद्यार्थियों मैं फिर से कह रहा हूं, सबसे पहले आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर विद्यार्थियों हमारा फ्रेंच होता है, फिर आपका विमल्डन होता है, और लास्ट में क्या होता है आपका, यूएस ओपन होता है। तो इन चार, देखिए पढ़ा भी रखा मैंने, जो बच्चे कोर्स के अंदर रहे होंगे उनको भी बता रखा, जो हमारे यूट्यूब के अंदर है तो वो बच्चे रेगुलर पढ़ते भी हैं, बस वो अभ्यास ज्यादा करते हैं और एप्लीकेशन वालों को समय नहीं मिलता अभ्यास करने का, बहुत बढ़िया है। हम कई बार कहते हैं, चिल्ला चिल्ला के कहते हैं अभ्यास करेगा करिएगा, नहीं बस लगे रहते नोट्स बनाने पे, ठीक है भाई बनाते रहो नोट्स पे। देखिएगा तो विमल्डन की बात करेंगे, तो ये किसने जीता विद्यार्थियों, एलिना रैंकविना को, ठीक है ना, कविना, ठीक है ना। चलेगा नेक्स्ट सवाल, गुजराती में एक पुस्तक स्वाधीनता संग्राम ना सूर वीरो, वो हैज लॉन्च बुक विद्यार्थियों, गुजराती स्वाधीनता संग्राम ना सूर वीरो, इसका विमोचन किसने किया, तो ये किया गया मीनाक्षी लेखी विद्यार्थियों, ये संस्कृति मंत्री है, यानी इनके पास कौन सा आपका, तो इनके पास कल्चरल मंत्रालय है, ठीक है। चल अगला प्रश्न दिया गया, नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में, पहले उमेश शर्मा करके थे उपचुनाव आयुक्त, डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर के रूप में आर के गुप्ता, ठीक है, उमेश कुमार करके नाम था पहले, उनके उस स्थान पर जो आर के गुप्ता चुनेंगे, ठीक है। चलेगा इलेक्शन कमीशन की बात करें हम लोग, इलेक्शन विद्यार्थियों कमीशन की बात करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये 25 जनवरी
1950 को बना था और इसमें कितने आपके 3 मेंबर होते हैं। इसमें कितने मेंबर होते हैं? 3 मेंबर होते हैं। और वो 3 मेंबर कौन कौन से? तो देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी 2 आपके इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान समय पर भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, यदि आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट टाइम पर भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? वर्तमान समय पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पर कौन है? तो देखिएगा, अभी वर्तमान समय पर कौन है? राजीव कुमार। ध्यान दीजिएगा, कौन है? तो राजीव कुमार मुख्य, ठीक है ना, मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त है वो कौन है? इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार है। ठीक है, चलेगा। बाकी देखिए, 2 अन्य जो मेंबर आपके अनूप पांडे भी हैं इसमें, और एक नाम और आता है, कौन है विद्यार्थियों? अभी हाल ही में बने थे, अनूप पांडे तो पहले से ही हैं, ठीक है, राजीव कुमार हैं, राजीव कुमार बिल्कुल, देखिएगा अनूप पांडे हैं, और तीसरा नाम चलेगा, खारची महोत्सव भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है? ये राज्य हमारे पूर्वोत्तर भारत में है, ये राज्य हमारा विद्यार्थियों पूर्वोत्तर भारत यानी कि नॉर्थ ईस्ट विद्यार्थियों इंडिया में है, और इस राज्य का नाम क्या है आपका? तो त्रिपुरा, त्रिपुरा राज्य, ठीक है ना, जिसका कैपिटल कहां पर है आपका? अगरतला के अंदर। अगरतला इसका कैपिटल हो गया, अगरतला क्या हो गया? इसका कैपिटल हो गया। पूर्वोत्तर भारत में चलेगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, ठीक है, चलेगा, ये ध्यान दीजिएगा, 3 ओर से पूर्वोत्तर भारत में एक ही देश से घिरा हुआ है। जब आपने अपने नाम के आगे लिखा जानने की कभी कोशिश मत करना बच्चा, उसी समय हम आपके शब्दों को पहचान चुके थे और आपको जान चुके थे कि आप कौन हो, है ना, अच्छा लाइन बोली ना हमने। चलो देखिए, मैंने लाइनें जोड़ी, हमने लाइनों को जोड़ा, बस आप समझ जाएगा और बाकी लोग जिसको समझना है वो समझ ही जाएगा। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, त्रिपुरा अगरतला चलेगा, ये पूर्वोत्तर भारत में सिर्फ आपके असम और मिजोरम को जोड़ता है, चलेगा, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, याद रखिए विद्यार्थियों, असम और मिजोरम के साथ ये क्या करता है? आपका सीमा बनाता है, ठीक। उसके साथ साथ देखिए, यहां जाओगे ना तो यहां पर आपको थोड़ा खारची उत्सव भी मनाना है और दूसरा खैर उत्सव भी मनाना है। नेशनल पार्क की बात करेंगे, नेशनल पार्क की बात करेंगे तो यहां पर नेशनल पार्क कौन सा देखने को मिलेगा हमें? तो नेशनल पार्क हमें एक तो रोवा नेशनल पार्क, और कौन सा देखने को मिलेगा विद्यार्थियों आपको? तृष्णा, तृष्णा नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा, तृष्णा नेशनल पार्क, ठीक है ना, चलेगा, ठीक है, आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें विद्यार्थियों। देखिएगा, विंबलडन 2022 पुरुष एकल फाइनल किसने जीता? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सवाल आपसे पूछा गया, देखिए आपसे सवाल पूछा गया, 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता विंबलडन में? तो यह जीता था नोवाक जोकोविच ने। अब प्रभु आपसे पूछा गया कि नोवाक जोकोविच कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं? जल्दी आंसर दीजिएगा, नोवाक जोकोविच विद्यार्थी क्या है? ये टेनिस प्लेयर हैं। तो हमसे पूछा गया कि ये कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कंट्री का नाम आएगा आपका सर्बिया। सर्बिया, सर्बिया की कैपिटल कहां पर है? सर्बिया की कैपिटल है आपका बेलग्रेड के अंदर। कहां पर है? बेलग्रेड, जो कि यूरोप के अंदर आपके यूरोप कॉन्टिनेंट में हमें ये देखने को मिल जाएगी, यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर ये कंट्री आपको देखने को मिलती है। आए समझ में? चलिए, विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, कब मनाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष आपके जो जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। छोटा सा एक सवाल मेरा आपसे, वर्तमान समय पर जनगणना आयुक्त कौन है?
जनगणना आयुक्त, यानी कि आपका जो सेंसस विद्यार्थी हमारे कमिश्नर हैं वो कौन हैं? जो विद्यार्थी हमारे सेंसस जो कमिश्नर है अभी वर्तमान समय पर वो कौन है? जनगणना आयुक्त, जल्दी बताएगा जनगणना आयुक्त कौन है वर्तमान समय पर? राकेश कुमार, शुदीप हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं, चलेगा। तो सर कौन है? विवेक जोशी, बहुत बढ़िया। जनगणना आयुक्त कौन है वर्तमान समय पर? तो ये विवेक जोशी, विवेक विद्यार्थियों जोशी, ठीक है ना, विवेक जोशी है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का नेतृत्व किसने किया? देखिएगा CWG में पहली बार क्रिकेट को भी शामिल किया गया था। किसको? क्रिकेट को भी शामिल किया गया था, समझो, क्रिकेट को भी इसमें शामिल किया गया था। अब सवाल पूछा गया कि इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को तो जो रिप्रेजेंट किया था वो किसने किया था? हरमनप्रीत कौर, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की क्या थी? चलेगा, ठीक है बच्चा, ठीक है। रोहित वाडियल कि सर अभी क्या बना नहीं बच्चा, वैसे अभी बना नहीं, बस नवंबर वाली बनी नहीं अभी, ठीक है ना, नवंबर वाली अभी बन रही है। आज फिर देखिए सप्लाई दिक्कत आई है, लास्ट टाइम पर मैं जैसे क्लास लेने ली मैंने आपके एक डेढ़ घंटे तो लाइट चली गई थी, सप्लाई समाप्त, तो हमारी क्लास भी बंद हो गई थी। तो आज ऐसा ना हो मैं आपकी पूरी क्लास लूँ, पिछली वाली आपकी आधी आधी रही थी और जो बहुत कुछ आप लोगों के लिए रखा था वो वहीं खत्म हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य के देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? हमसे सवाल पूछा जाता है कि देखिएगा देवघर जो हवाई अड्डा है, इंटरनेशनल विद्यार्थी आपका जो हवाई अड्डा है, ये भारत के कौन से राज्य में है? तो देवघर हवाई अड्डा ये भारत में कहां पर देखने को मिलेगा हमें? तो ये झारखंड के अंदर देखने को मिलेगा। कहां पर देखने को मिलेगा? झारखंड में, ठीक है ना, झारखंड में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। झारखंड के वर्तमान समय पर जो सीएम है वो कौन है? तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, हेमंत विद्यार्थियों सोरेन है, हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम है वर्तमान समय पर। चलिए अगला प्रश्न, किस राज्य में स्वामी रामानुजाचार्य, विद्यार्थियों शांति की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ पीस, राइट टू इक्वालिटी, समानता की मूर्ति है ना स्टैचू, और तो ये कई सारी मूर्तियां हमने याद कर ली, तो उसमें स्टैचू ऑफ पीस की बात करेंगे तो ये कहां पर आपका? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। कहां पर विद्यार्थियों आपका ये? तो जैनके के अंदर हमें देखने को मिलेगा। कहां पर? जैनके के अंदर, ठीक है ना। चलेगा अगला प्रश्न, क्या दिया गया? जापानी सरकार से ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, ऑर्डर ऑफ द विद्यार्थियों ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड और सिल्वर स्टार पुरस्कार किसे मिला है? तो ये पुरस्कार मिला आपका किसे? तो ये दिया गया नारायण विद्यार्थियों कुमार को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। हम लोग जब जापान जाते हैं ना तो जापान की जो करेंसी है वो क्या है? जापान की करेंसी येन है। जापान में आपको अगर भेज दिया जाए तो वहां की पार्लियामेंट क्या है? डायट है। और वहां के वर्तमान समय पर जो प्रधानमंत्री, उनका नाम क्या है? फुमियो किसिदा, विद्यार्थियों किसिदा जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री है, जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न, स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस, देखिए कॉस्मोस ने किस शहर में भारत की पहली रॉकेट इंजन फैक्ट्री खोली है? इन विच सिटी स्पेस टेक क्या है विद्यार्थी आपका? स्टार्टअप जिसका नाम क्या है? अग्निकुल आपका कॉस्मोस हैज द ओपन इंडिया फर्स्ट रॉकेट इंजन फैक्ट्री कोची, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई। कहां पर विद्यार्थियों? तो ये बिल्कुल कहां पर आपका? चेन्नई में। चलेगा चेन्नई कहां पर है हमारा? तो चेन्नई तमिलनाडु में है, ठीक है ना। और 2022 में जो फीडे ओलंपियाड हुआ था
कौन सा फीडे ओलंपियाड, इस फीडे का मुख्यालय कहां पर है, यह सवाल बीएसएफ जेई में पूछा गया था। फीडे ओलंपियाड कौन से नंबर का हुआ हमारा, तो 2022 में फीडे ओलंपियाड जो आपका किससे जुड़ा हुआ है, चेस से संबंधित है, और कौन से नंबर का, 44वां यानी 44th, ये इंडिया ने होस्ट किया, और इंडिया के भी कौन से शहर में हुआ, चेन्नई में हुआ। इंडिया के भी कहां पर हुआ, तो ये चेन्नई के अंदर इन खेलों का आयोजन हुआ था। भारत में बांग्लादेश के अगले उच्चायुक्त यानी कि अभी जो हाई कमिश्नर ऑफ बांग्लादेश टू इंडिया, तो कौन है, मुस्तफिर रहमान। कौन है आपके, तो ये मुस्तफिर रहमान, ठीक है। भारत के वो कितने स्टेट हैं जो 3 वीगा कॉरिडोर से लगे हुए, देखिएगा, बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य क्या करते हैं, आपका बाउंड्री बनाते हैं, तो वो 5 राज्य विद्यार्थियों कौन कौन से हैं, तो यहां से मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, ठीक है, और वेस्ट बंगाल। और भारत की जो सबसे लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री है ना, वो 3 वीगा कॉरिडोर है, और 3 वीगा कॉरिडोर किससे लगी हुई है हमारी, तो ये बांग्लादेश के साथ लगी हुई है, 3 वीगा कॉरिडोर बांग्लादेश के साथ ही लगी हुई है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, टाइम पत्रिका ने किस भारतीय शहर को 2022 के लिए विश्व के महानतम स्थानों में सूचीबद्ध किया है। Which Indian city has been listed Times Magazine? It's the विद्यार्थी world greatest place of 2022. तो हम किसकी बात कर रहे हैं? तो ये अहमदाबाद है। अहमदाबाद World Heritage Site में, World Heritage विद्यार्थियों साइट में भी शामिल है। एक तो पहला शहर ये है अहमदाबाद, और दूसरा शहर कौन सा हमारा, तो दूसरा शहर पिंक सिटी जयपुर है। दूसरा शहर पिंक सिटी जयपुर को शामिल किया गया है, जयपुर भी इसमें शामिल है, ठीक है, ठीक है ना। चलेगा अगला प्रश्न देखिएगा, कानागन अलीगढ़ के, ठीक है ना, कानागन देखिए यहां पर क्या दिया गया, ये एक प्राचीन बौद्ध स्थल है जो कि किस राज्य में स्थित है, ठीक है ना, तो ये विद्यार्थी आपका कौन से राज्य में, तो ये हमारे कर्नाटक में, ठीक है ना, कानांगली, ठीक है, तो ये कहां पर है विद्यार्थियों, कानागन है, ठीक है, तो ये कहां पर, हमारे कर्नाटक राज्य में। अगला सवाल, दक्षिण कोरिया के चांगवन, दक्षिण कोरिया के विद्यार्थियों चांगवन में यहां पर क्या है आपका, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन विश्व कप में पदक तालिका में कौन सा देश सबसे ऊपर रहा, तो ये कौन है, इंडिया। अब यहां पर देखिएगा नाम क्या दिया गया आपका, साउथ कोरिया, क्या दिया गया विद्यार्थियों, तो ये साउथ कोरिया की बात की गई, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया की कैपिटल कहां पर है, तो सर सियोल के अंदर है। सर साउथ कोरिया की करेंसी क्या है विद्यार्थियों, तो साउथ कोरिया की करेंसी वॉन है, ठीक है ना, दक्षिण कोरिया की जो मुद्रा है वो क्या है, वॉन। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, एससीओ संघाई सहयोग संगठन, एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया है। सवाल हमारा देखिएगा, विच सिटी हैज बीन डिक्लेयर एज द फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ की जो पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित की गई है, तो वो किसे किया गया है, ये किया गया हमारे वाराणसी को किया गया है, ठीक है ना। एससीओ, एससीओ विद्यार्थियों आपका कब बनता है, एससीओ संघाई सहयोग संगठन ये वर्ष 2000 में बनता है, और इसमें कितने पहले विद्यार्थी, कितने मेंबर थे आपके, 8 मेंबर थे, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान इसमें जो बने आपका, कब बने, 2017 में बने, ठीक है, तब 8वें नहीं तो 6 मेंबर थे आपके, ठीक। अब इसमें ईरान को भी शामिल किया गया है,
तो ईरान इसका नौवां मेंबर बनेगा, ईरान इसका विद्यार्थी नौवां मेंबर बनेगा। तो अब कितने हो गए, 8+1 हो गए, पहले 8 विद्यार्थी ये कैप के पूर्ण सदस्य हैं, ठीक है, और ईरान को भी इसमें शामिल किया जा रहा है, ठीक है ना। चलेगा, प्रभु आगे बढ़ते हैं। सुधाकर दलेला को किस देश में भारत के हाई कमिश्नर के रूप में चुना गया है, ठीक है ना। ये एम्बेसडर होंगे विद्यार्थी भारत के कौन से कंट्री में, तो ये होंगे भूटान के अंदर। भूटान को जाते जाते हम लोग थक गए, तो भूटान का कैपिटल कहां पर है, तो सर ये तो थिम्पू के अंदर है। कहां पर आपका सर, थिम्पू में है। भूटान की करेंसी क्या है और भूटान की पार्लियामेंट को किस नाम से जानते हैं, तो यहां पर नेगुल ड्रम तो आपकी करेंसी हो गई, और तसोंगड़ू यहां की क्या हो गई, तसोंगड़ू, तसोंगड़ू यहां की पार्लियामेंट का नाम है, यहां की पार्लियामेंट का नाम तसोंगड़ू है। चलिएगा आगे चलते हैं। किस भारतीय कप्तान को ब्रिटिश संसद ने सम्मानित किया है, विच इंडियन कैप्टन हैज, विद्यार्थी यहां पर पूछा गया ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा सौरभ दादा को चुना गया। समझो, सौरभ दादा वर्तमान समय पर बीसीसीआई के अध्यक्ष नहीं है, सौरभ गांगुली वर्तमान समय पर बीसीसीआई के अध्यक्ष नहीं है, ठीक है ना। अब बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इंडिया, बीसीसीआई। सर बीसीसीआई कब बना, तो 1928 में बना। बीसीसीआई का मुख्यालय कहां पर है आपका, तो ये मुंबई के अंदर है, ठीक है ना। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं रोजर बिनी, रोजर बिनी आके क्या हो गए, अध्यक्ष हो गए। चलेगा अगला सवाल, द मैक मोहन लाइन अ सेंचुरी डिस्को, देखिएगा डिस्कार्ड दिया गया, सॉरी डिस्कार्ड, हु इज द ऑथर ऑफ बुक द मैक मोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, ये किसके द्वारा लिखी गई बुक है, 2022 में पब्लिश हुई, तो जे जे सिंह के द्वारा लिखी गई बुक है, ठीक है। अब मैक मोहन लाइन से भारत के कौन कौन से राज्य, या देखिए भारत के कौन कौन से राज्य जो मैक मोहन लाइन से लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो देखिए विद्यार्थियों, इधर से आप लोग लद्दाख को देखते हैं, इधर से हिमाचल प्रदेश को, उत्तराखंड, इधर से सिक्किम, और आगे आपका अरुणाचल प्रदेश, तो एक केंद्र शासित प्रदेश है और 4 के आपके राज्य हैं जो मैक मोहन लाइन, यानी कि भारत और चीन के बीच में जो डिमार्केशन है उसे मैक मोहन लाइन के नाम से जानते हैं, इस कारण से देखिएगा इसे, ठीक है ना। तो चलेगा मैक मोहन लाइन। अगला प्रश्न दिया गया कि देखिए कोलकाता में P-17A, ठीक है ना, दूनागिरी, देखिएगा दूनागिरी, दूनागिरी जो P-17A स्टील विद्यार्थी फ्रिगेट की बात की जा रही है आपका, लॉन्च किया गया तो किसके द्वारा, तो भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री राजेंद्र, देखिएगा राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया, ठीक है, राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय जो बने, तो ये कौन है, तो मुरली, विद्यार्थी क्या है, श्री शंकर, आपसे पूछा जाएगा, मुरली श्री शंकर का नाम अभी कुछ समय पहले चर्चाओं में था, जस्ट 1 मिनट बच्चा, जस्ट 1 मिनट। ठीक है ना, अगला सवाल, अगला प्रश्न क्या दिया गया, 2025 के लिए विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के लिए
मेजबान शहर के रूप में किस शहर को चुना गया? Which city has been selected the host city for the World Athletic Championship 2025? World Athletic Championship 2025 में ये कहां पर होगा? स्ट्रगल ऑफ स्टूडेंट लाइफ। देखिएगा आज हमारे पास ना बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आ रहे हैं, देखिए कितना अच्छे अच्छे नाम है ना, जानने की कभी कोशिश मत करना है ना। और उसके बाद स्ट्रगल ऑफ स्टूडेंट लाइफ, बिल्कुल देखिएगा। मैं आपको एक बात बताऊं विद्यार्थी, चाहे आप लोग मुझे देखते हो चाहे नहीं देखते हो, कुछ बच्चे हैं यहाँ पर जो हमें बिल्कुल देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे है कि जो मुझे जानते भी नहीं, आज पहली बार हमारे जानते हैं। तो जहां पर हमारे बच्चे ने लिखा ना स्ट्रगल ऑफ स्टूडेंट लाइफ, तो इस पर मैं सिर्फ दो शब्द कहूंगा, सिर्फ और सिर्फ बच्चा दो शब्द कहूंगा और ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपको पता है हमारा लक्ष्य क्या है, ठीक है, हमने शुरुआत करी यहां से और लक्ष्य हमारा यहां तक पहुंचना। यहां क्या रखी है? जॉब। अब वो जॉब कैसी है? हमें चाहिए कौन सी? गवर्नमेंट जॉब चाहिए। क्या चाहिए विद्यार्थियों? गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अब हमने शुरुआत करी यहां से, स्ट्रगल ऑफ लाइफ की बात करी आपने स्टूडेंट की, तो मैं आपको बता दूं यहां से यहां तक के सफर को जिसे हम ना स्ट्रगल कह रहे हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं? स्ट्रगल कह रहे हैं कि हमने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया, होता है। चलो घर से दो चार पैसे मिले, पैसे के साथ साथ दो चार गालियां भी मिल जाती कभी कभार, ठीक है ना। जीवन में जहां हम लोगों को लगता था कि साल भर में चार जींसें खरीदनी थी तो एक फटी पुरानी जींस में हमने काम चला दिया, उसे हम स्ट्रगल मानते हैं। तो मैं आपको कहूं कि देखिएगा कभी कभार ये जो है ना, ये जो लक्ष्य दिख रहा आपको, ये आपका जो विद्यार्थियों जहां पर आपको पहुंचना है, तो ये क्या है? हमारा फल है, यानी कि उस स्ट्रगल का जिसे आप स्ट्रगल कह रहे हो उसका फल और भी मीठा होगा जब स्ट्रगल आपका क्या होगा? ज्यादा बेहतर होगा। और कभी कभार यह फल उतना मीठा नहीं होता जितना मीठा विद्यार्थियों क्या होता है? सफर होता है। उस लक्ष्य को पाने तक का जो सफर है ना वो ज्यादा आनंददायक होता है। यह सच्चाई आपको तब पता चलेगी जब आप किसी डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर चुके हो, जब आप कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में बैठे होंगे, तब आप लोगों को लगेगा कि ये सफर ज्यादा सुहाना था कि ये सफर ज्यादा सुहाना था, तब तुलना करना ज्यादा अच्छा कौन सा था चलेगा। तो मैं नहीं मानता कि हमारे स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उनके दोस्त तो किताबें हैं। अब अगर किताबों से थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो भी गए तो हम ऑनलाइन बैठे हैं, बच्चा हमारे साथ बैठ के पढ़ाई करना बैठ जाता है, चलेगा। गुड आफ्टरनून बच्चा, गुड आफ्टरनून। देखिए मेजबान शहर के रूप में किस शहर को चुना गया, यानी इसे चुना गया आपका कौन सा? टोक्यो। टोक्यो यानी कि ये क्या है? जापान की कैपिटल है, ये जापान की कैपिटल है। टोक्यो विद्यार्थी क्या है? जापान की कैपिटल है, ठीक है ना, जापान की कैपिटल। चलिए आगे चले, नेक्स्ट सवाल। अगला प्रश्न कहता है किस भारतीय राज्यपाल को पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था? अब नहीं है, अब नए बन गए हैं, ठीक है। देखिए आपसे क्या पूछा गया कि देखिएगा अतिरिक्त प्रभार दिया गया था क्योंकि जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे वो कौन थे? जगदीप धनखड़। अब जगदीप धनखड़ हमारे उपराष्ट्रपति बन गए, तो पश्चिम बंगाल का जो कार्यभार दिया गया था ये मणिपुर के राज्यपाल के पास दिया गया था। किसके पास? मणिपुर के राज्यपाल जो थे ला गणेशन। लेकिन आज के दिन में वेस्ट बंगाल के गवर्नर किसे बनाया गया है? कौन बता रहे है? जल्दी बताएगा। वेस्ट बंगाल के गवर्नर अब ये नहीं है, ये थे, इनके पास अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। कब? जब जगदीप धनखड़ यहां के गवर्नर थे तो वो तो आपके राष्ट्रपति बन गए, उपराष्ट्रपति बन गए, उसके बाद यहां का पद रिक्त हो गया, ठीक है ना। तो चलेगा आज के समय पे कौन है तो जल्दी से बता दीजिएगा, अगर पता हो तो बता दीजिएगा, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कौन सा भारतीय शहर संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनी है? तो यह हमारा वाराणसी है। कौन सा है? वाराणसी। अगला सवाल, नहीं नहीं सत्यपाल मलिक नहीं, नहीं बच्चा नहीं, नहीं नहीं नहीं, आनंद बोस को बनाया गया है। किसे बनाया गया विद्यार्थियों? आनंद बोस। सत्यपाल मलिक नहीं, नहीं सत्यपाल मलिक नहीं है, सत्यपाल मलिक नहीं है। चलेगा इंग्लैंड में एक दिवसीय और टेस्ट दोनों में शतक बनाने वाले भारत के या एशिया के पहले जो बल्लेबाज बने हैं, ठीक है ना।
जो बने हैं विद्यार्थियों कौन बने हैं, तो ये बने हैं आपके ऋषभ पंत। इंग्लैंड में एक दिवसीय और टेस्ट दोनों में शतक बनाने वाले पहले एशियाई बने हैं कौन, तो ये ऋषभ पंत, मतलब बिगर कीपर बल्लेबाज, बिगर कीपर बल्लेबाज, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल, इंग्लैंड में एक दिवसीय श्रृंखला जीतने वाले तीसरे भारतीय जो बने वो कौन बने, हिटमैन रोहित शर्मा, हिटमैन रोहित शर्मा। अगला सवाल, ऑलराउंडर बेन स्टोक ने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय में संन्यास की घोषणा की तो उन्होंने किस देश के लिए क्रिकेट खेला है, उन्होंने विद्यार्थियों किस देश के लिए क्रिकेट खेला है, ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर क्या आएगा, सर उन्होंने इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेला है। किसके लिए खेला है, इंग्लैंड के लिए उन्होंने क्रिकेट खेला है। आए समझ में, चलेगा, यानी कि इंग्लैंड के लिए तो खेलते हैं ना, बेन स्टोक इंग्लैंड की टीम में है। अगला प्रश्न देखेगा, नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है, नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है विद्यार्थियों, तो सर ये 18 जुलाई नेल्सन मंडेला को, इनको विद्यार्थियों ब्लैक गांधी के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक गांधी के नाम से भी नेल्सन मंडेला को जानते हैं। उसके साथ साथ देखिए ब्लैक गांधी भी हो गया, साथ ही साथ देखिएगा इनकी अफ्रीकन गांधी भी कहते हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफी, नेल्सन मंडेला जी की जो ऑटोबायोग्राफी आपकी, उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे विद्यार्थियों लॉन्ग वॉक फॉर फ्रीडम, लॉन्ग वॉक फॉर फ्रीडम के नाम से जानते हैं। जितने भी बच्चे यहां पर उपस्थित हैं, यदि आप लोगों को लगता है कि देखेगा हमें करंट अफेयर के साथ जुड़े रहना चाहिए, तो आप लोगों के लिए डेली सुबह 5 बजे हम क्लास लेते हैं, और न तो संडे देखा न मंडे देखा, हम लोग डेली क्लास में रहते हैं, समय समय पर रिवीजन किया जाता है, ऐसा नहीं कि एग्जाम के समय पर ही हम क्या हुए बरसाती मेंढक बनकर क्लास में आ गए, ऐसा नहीं होता है। हम डेली क्लास में उपस्थित होते हैं, और देखिएगा वो क्लास कहां पर होती है, आपकी ईएडी ग्रुप के नॉन टेक्निकल चैनल यानी कि टॉपर्स का अड्डा पर होती है। लेकिन आपने तो आज ही हमें देखा, आपने तो हमें आज ही देखा, ठीक है। अब जिन्होंने पहले से देखा हुआ है तो वो 2-4 आंसर बढ़ा के दे देते, चलेगा। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखेगा, यहां पर क्या पूछा गया, नेवल विद्यार्थियों इनोवेशन एंड निगेशन की बात की गई, आपका ऑर्गेनाइजेशन सेमिनार, ठीक है ना, NIIO सेमिनार यानी कि स्वावलंबन, आपसे क्या पूछा गया विद्यार्थियों, स्वावलंबन किससे, किसने संबोधित किया, नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी, आपका स्वावलंबन किसने इसे संबोधित किया, तो यह किया गया था भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, और इसका आयोजन कहां पर हुआ, नई दिल्ली में। अंतरराष्ट्रीय देखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में इसका आयोजन हुआ, ठीक है। चलेगा, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है विद्यार्थियों, NSE, भारत में स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था कौन सी है, सर सेबी है, सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलेगा, देखिएगा सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो 1988 में एस्टैब्लिश होता है, और देखिए सेबी एक्ट जो आया था आपका, सेबी एक्ट किस वर्ष आया, 1992 में आया, ठीक है। इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है, कहां पर इसका मुख्यालय, मुंबई के अंदर है, ठीक है। और सेबी की चलेगा, ठीक है ना, तो देखिएगा सेबी के जो अध्यक्ष है विद्यार्थियों, सेबी, सेबी के विद्यार्थियों जो अध्यक्ष हैं, तो अभी वर्तमान समय में कौन है, तो माधवी पुरी, याद रखिएगा माधवी पुरी करके, माधवी पुरी क्या आएगा आपका, वो चाहेगा, ठीक है ना, माधवी पुरी
बुच आएगा, ठीक है। वर्तमान समय पर सेबी के क्या है, अध्यक्ष है। राकेश कुमार जी कह रहे हैं कि सर मुझे सुबह की क्लास ज्यादा अच्छे से समझ में आई थी तुलना में इसके, ऐसा ही कह रहे हैं बच्चे। ये करंट अफेयर है और सुबह हमारी क्या थी, जीके की क्लास थी, ठीक है। वो आपका जीके क्लास थी और ये हमारी क्या है, करंट अफेयर क्लास है। तो इसमें बहुत सारा चीजें जोड़ के होती है और ये पहले हमें पढ़ना होगा, तब जाके इन सवालों के जवाब हमारे बनते हैं, ठीक है, चलेगा। तो देखिएगा इसमें राइट आंसर क्या बनेगा हमारा, तो यहां पर आएगा आशीष कुमार चौहान। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किस व्यक्ति को चुना गया। श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई उसके बाद जो उथल पुथल होता है वहां पर, तो आपसे सवाल पूछा गया नए राष्ट्रपति के रूप में जो चुने गए वो कौन चुने गए। रानिल विक्रम सिन्हे को चुना गया, ठीक है ना, कौन चुना गया विद्यार्थियों, वर्तमान समय पर वहां के नए राष्ट्रपति के रूप में जो चुना गया रानिल विक्रम सिंघे, ठीक है ना। ए अनुरा विद्यार्थियों, दिशा नायक, यह आपका दुलस आपका क्या दिया गया, ठीक है। अगला सवाल, अगला प्रश्न ये रहा हमारे पास, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पार्ट विद्यार्थियों कहां पर 14 में दिखता है, पार्ट 14 में आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक ये व्यवस्था दी गई। तो अभी इसमें मेंबर के रूप में जो चुने गए आपके कौन है, राज शुक्ला, मेंबर के रूप में राज शुक्ला है, जबकि इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय पर, अध्यक्ष कौन है, तो अभी कौन है विद्यार्थियों, मनोज सोनी। वर्तमान समय पर कौन है, तो मनोज सोनी, मनोज सोनी वर्तमान समय पर इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं, मनोज सोनी, समझो मनोज सोनी। अगला प्रश्न दिया गया, किसने पूर्वोत्तर भारत में अपना पहला पर्वत युद्ध प्रशिक्षण केंद्र बनाया है, विच हैज द, देखिएगा फर्स्ट माउंटेन वॉरफेयर विद्यार्थियों ट्रेनिंग सेंटर इन नॉर्थ ईस्ट बीएसएफ आईटीबीपी, तो यह बनाया गया किसके द्वारा, इंडियन तिब्बत बॉर्डर प्लेस, जो कि 1962 में इंडो चाइना वॉर के बाद बनी थी और यह किस मंत्रालय के अधीन आता है, आपका गृह मंत्रालय के अधीन आता है, किस मंत्रालय के अधीन, तो ये गृह मंत्रालय के अधीन आपको देखने को मिल जाएगा, आए समझ में, गृह मंत्रालय के अधीन आता है, समझ रहे हो आप लोग, चलेगा। जल्दी से आंसर भी देते रहेगा जो सवाल आपके सामने आ रहा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है किनने संभाला है, भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार विद्यार्थियों संभाला है, ऐसा पूछ रहा आपसे, तो किसने संभाला है, चलेगा, ठीक है ना सर, किसने संभाला है, तो द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना, द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वें विद्यार्थियों राष्ट्रपति के रूप में बनी है, ठीक है। यहां से थोड़ा सा सवाल आपको मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि यहां क्वेश्चन बनेगा आपका, जो प्रेसिडेंट विद्यार्थियों क्या होता है, इलेक्ट्रोल सिस्टम होता है, उसमें कौन कौन भाग लेता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। संजू राव, गुड आफ्टरनून बच्चा, गुड आफ्टरनून, जो प्रेसिडेंट विद्यार्थियों इलेक्ट्रोल सिस्टम होता है, ठीक है ना, तो उसमें कौन कौन भाग लेता है, तो उसमें देखिएगा लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर होते हैं, और जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि राज्य विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर भी उसमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है ना। चलेगा, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा, 2018 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा, आपसे क्या पूछ रहा विद्यार्थियों, ग्रीष्मकालीन यानी कि समर ओलंपिक की बात कर रहा है, समर जो आपके ओलंपिक होंगे, समर विद्यार्थियों ओलंपिक होंगे, समर ओलंपिक खेलों का आयोजन कब की बात कर रहे, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, 2020 में होना था, 21 में हुए, अगली बार कब होंगे, 2024 में होंगे, फिर कब होंगे, 2028 में होंगे,
प्रत्येक 4 साल बाद होते हैं, ठीक है ना। 2020-21 का जो हुआ था ये कहां पर हुआ था सर? 2020-21 का जो खेल हुआ ये हुआ आपका कहां पर? टोक्यो के अंदर, टोक्यो जापान में। जो 24 में होगा वो कहां पर होगा आपका? तो ये पेरिस के अंदर। और 28 में कहां पर होगा? तो ये दिया गया आपका लॉस एंजलिस में होगा। 28 का विद्यार्थी हो लॉस एंजलिस में होगा, लॉस एंजलिस में, यानी कि 2028 में, 2028 में लॉस एंजलिस इसे होस्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला प्रश्न दिया गया, किस राज्य सरकार ने स्वदेशी बुनकरों को सशक्त विद्यार्थियों बनाने के लिए, यहां पर क्या दिया गया विद्यार्थियों? स्वानवीर नारी, देखिएगा यहां पर क्या आएगा आपका? स्वयं निर्भर आना चाहिए था इसे ना, ये क्या आना चाहिए था विद्यार्थियों? स्वयं निर्भर आना चाहिए था, स्व निर्भर, स्व निर्भर, स्वनिर्भर नारी, वो हिंदी में कुछ और ही लिख दिया, स्वनिर्भर नारी योजना किसके द्वारा? बुनकरों के लिए, ठीक है ना, बुनकरों के लिए। तो ये शुरू किया गया कौन से राज्य के द्वारा? हमारे असम राज्य के द्वारा। किसके द्वारा? असम। असम के जो सीएम है वो कौन है? असम के जो गवर्नर है वो कौन है? असम के सीएम हो गए आपके कौन? हेमंत बिश्वा शर्मा। और गवर्नर कौन है हमारे? तो जगदीश मुखे, जगदीश मुखे आपके क्या हो गए? गवर्नर हो गए। जगदीश मुखे आपके क्या हो गए? गवर्नर हो गए, ठीक है ना। सर गवर्नर के लिए कौन? सर ज्योग्राफी का क्वेश्चन बता दीजिएगा कि ज्योग्राफी में कौन कौन से सवाल हमारे पास पूछने वाला है ज्योग्राफी में? नहीं, अगर बोर्ड पे पढ़ाना तो मैं बोर्ड पे पढ़ा देता हूँ, ज्योग्राफी बता दीजिएगा। मैं ज्योग्राफी क्या करंट अफेयर आपको सारा का सारा सवाल क्या बिना करवा देंगे फिर आपको। देखो मैं करंट अफेयर के बेस पे यहाँ पर आया था आप लोगों को के लिए। चलेगा अगला प्रश्न देखिएगा आपका, अगला प्रश्न, नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 में प्रमुख राज्यों में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल करा है, ठीक है ना। तो ये सवाल पूछा गया आपका, ये क्लास चलेगी आपकी शाम को 4:30 बजे तक, समझो शाम को 4:30 बजे तक चलेगी। तो अभी तो 2 घंटे करीब और बाकी हमारे, देखिए तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है। क्या सवाल पूछ रहा है? शीर्ष रहा जो आपका नीति आयोग के, तो कौन रहा? कर्नाटक। यानी आपसे 2022 में इनोवेशन इंडेक्स में सबसे ऊपर रहा, ठीक है। तो देखिएगा नीति, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, ये कब बना था हमारा? तो जनवरी 2015 में बनता है। किसके स्थान पर आया विद्यार्थी ये? तो ये प्लानिंग कमीशन के स्थान पर, यानी कि जो पहले हमारा योजना आयोग था तो ये योजना आयोग के स्थान पर आया है, ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी की बात की गई, अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया आपका सैफ अहमद को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया? सैफ अहमद को नियुक्त किया गया, ठीक है ना। चलेगा नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल, और यहां से मैं थोड़ा सा एक सवाल बता दूं आपको, क्योंकि 2023 में, 2023 में क्या होने आपके? हॉकी विश्व कप होने, हॉकी आपका क्या होना है? वर्ल्ड कप होना है, हॉकी वर्ल्ड कप होना है। तो इसे कौन होस्ट कर रहा है? इंडिया। और इंडिया के भी कहां पर होगा? तो भुवनेश्वर और राउरकेला में, यानी कि ओडिशा में, ओडिशा राज्य से होस्ट करेगा, ओडिशा, ओडिशा याद होस्ट करेगा से। बियॉन्ड द मिस्ट्री विल विद्यार्थियों, टेंपल टेल्स ऑफ उत्तराखंड, ये बुक किसने लिखी है? हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल बियॉन्ड द मिस्ट्री विल, टेंपल क्या दिया गया आपका? टेल्स ऑफ उत्तराखंड। तो ये लिखी गई आपका 2022 में पब्लिश हुई थी, तो आराधना जौहरी के द्वारा लिखी गई है, आराधना जौहरी के द्वारा लिखी गई बुक है, आराधना जौहरी। अगला प्रश्न दिया गया, केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार
जेसी डैनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है 2022 के, तो इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या बनेगा? तो किसे दिया गया विद्यार्थी ये, तो ये दिया गया आपका केपी कुमारन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया? अगर आपसे पूछा जाता ना कि देखिए जो हमारा जल शक्ति मंत्रालय है, एसएससी जेई के अंदर पूछा गया था जल शक्ति मंत्रालय कब बना, तो 2019 में बना। अब इसी के द्वारा क्या लाई गई थी आपकी वाटर पॉलिसी लाई गई थी, ठीक है, वाटर पॉलिसी लाई गई थी इसी के द्वारा। अब ये जो जल नीति लाई गई, इसी जल नीति को लागू करने वाला पहला राज्य था हमारा कौन, मेघालय। लेकिन टारगेट को, जो लक्ष्य है ना, उसे 100% अचीव करने वाला पहला राज्य कौन सा हमारा, तो वो गोवा है, वो हमारा गोवा है, ठीक है। और यहां पर देखिए जिला पूछा गया, तो ये जिला आपका कौन सा होगा, बुरहानपुर जिला हमारा कौन सा आएगा, तो बुरहानपुर जिला, ठीक है ना। चलेगा, जुलाई 2022 में दिनेश विद्यार्थियों गुणवर्धन ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? जुलाई 2022 में ये, तो किस देश के, श्रीलंका, दिनेश विद्यार्थियों गुणवर्धनन, ठीक है ना। चलेगा, राजपक्षे का जमाना गया विद्यार्थियों, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा किस अभिनेता को गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है? किस अभिनेता को गोल्डन वीजा से विद्यार्थियों सम्मानित किया गया है, तो ये कौन से, तो कमल हसन, जो साउथ इंडियन मूवी में आप लोग देखते हो ना, कमल हसन। अगला प्रश्न, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गए, जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? Who has become the first ever Indian to win silver at World Athletic Championship? तो ये किसने जीता आपका, नीरज चोपड़ा, ठीक है ना, किसने जीता विद्यार्थियों, नीरज चोपड़ा। लोशाने के अंदर आयोजित हुआ था आपका 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। Which film won the best feature film award at the 68th National Film Award? जो कि जीता, तो ये किसने जीता आपका, सोराय पोट्रू को दिया गया। और ये पुरस्कार कौन देता हमारा, तो याद रखेगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार आपके दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया कि देखिएगा, जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता, तो जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता वो किसने जीता, तो ये जीता आपका सच्चिदानंद के आर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है इन्होंने, आए समझ में। मिनिमम विद्यार्थियों आपका जो समर्थन मूल्य पर एमएसपी के लिए जो कमेटी गठित की गई, उस कमेटी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाया गया आपका संजय अग्रवाल। आपको सवाल पूछा जाता है कि संजय अग्रवाल कमेटी या संजय अग्रवाल समिति किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आपका किससे संबंधित है विद्यार्थियों, तो एमएसपी से संबंधित है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, किसने सशस्त्र बलों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए
तीनों सेनाओं के संयुक्त विद्यार्थियों थिएटर कमांडर की स्थापना की घोषणा करी है। तो ये घोषणा की गई राजेंद्र, देखिए केंद्रीय कैबिनेट में अभी क्या आपके रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। अभी तक सेना के अंदर जो व्यवस्था है आपकी कैसी है, तो सबसे ऊपर कौन होते हैं, भारत के राष्ट्रपति होते हैं, फिर क्या विद्यार्थी आपके सीडीएस होते हैं, फिर सीडीएस के बाद तीनों सेनाओं के देखेगा जो क्या हो गए प्रमुख होंगे, वायुसेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख। ठीक है, सीडीएस वर्तमान समय पर सीडीएस कौन है, पहले सीडीएस थे हमारे बिपिन रावत सर, जिनकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई विद्यार्थियों। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर के जो सीडीएस बने हमारे वो कौन बने हैं, जो अभी वर्तमान समय पर दूसरे सीडीएस है हमारे विद्यार्थियों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वर्तमान समय पे कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चलिए अगला सवाल देखिएगा, वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित जो वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसने जीता है, हु हैज वॉन ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022। तो 2022 के लिए यह पुरस्कार किसे दिया गया, आपका कौशिक राजशेखर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कौशिक राजशेखर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे चलेगा आपका कि निम्नलिखित में से किसने सशस्त्र बलों के बीच में समन्वय बढ़ाने के लिए तीनों सेनाओं के संयुक्त थिएटर कमांडर कमांड की स्थापना की घोषणा की है, among the following has announced the joint theater command of the vidyarthi tri service to his coordination among armed forces, to ye kisne rajnath singh vidyarthi, theek hai abhi kya hai kendra mein raksha mantri hamare kendra cabinet mein 2022 ke birmingham commonwealth game ka udghatan samaroh mein bharat ke vidyarthiyon dhwaj bahak kaun the, yahan par kya diya gaya india's flag bearer, ओपनिंग सेरेमनी बर्मिंगहम जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे आपके 2022 में, तो देखिएगा यहां पर जो ध्वजवाहक थे वो कौन थे, ध्वजवाहक, ठीक है, तो जो ध्वजवाहक थे विद्यार्थी आपके कौन थे, पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। बर्मिंगहम में जो 2022 में कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन हुआ 22वें नंबर के, तो इसमें कौन थे विद्यार्थी आपका, पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। चलिए अगला सवाल देखिए, एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा, एशिया कप 2022 की जो मेजबानी किसने करी, तो यह की गई थी किसके द्वारा, यूएई संयुक्त अरब अमीरात, और इसका विनर कौन था, श्रीलंका, रनर अप टीम कौन सी थी, तो भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान, ठीक है पाकिस्तान याद है इसमें, तो पड़ोसी, पड़ोसी भारत का पड़ोसी है ना, रनर अप टीम यानी कि जो उप विजेता के रूप में घोषित किया गया, ठीक है उपविजेता किसमें, तो पाकिस्तान को। 44 में विच कंट्री हैज होस्टिंग फॉर 44th चेस ओलंपियाड, जो 44th चेस ओलंपियाड कहां पर हुआ हमारे, जो चेन्नई के अंदर, कहां पर हुआ, चेन्नई तमिलनाडु में, और इसका जो मस्कट था वो क्या था आपका, थाम्बे, थाम्बे इसका क्या हो गया, मस्कट, थाम्बे इसका मस्कर है, ठीक है ना, इसका विद्यार्थी जो मस्कर है वो क्या है, थाम्बे। चलेगा विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं हम लोग, तो 28 जुलाई को मनाते हैं, और भारत में हेपेटाइटिस जैसी बीमारी के एक क्या है, वायरल डिजीज है, तो इससे लोगों को अवेयर करने के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया विद्यार्थियों, किसे बनाया गया, तो अमिताभ बच्चन जी को बनाया गया है, अमिताभ बच्चन जी को विद्यार्थियों बनाया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल यहां पर क्या दिया गया, सकुरा विद्यार्थी, सकुरा जिमा ज्वालामुखी, सकुरा जिमा वॉल्केनो जो हाल ही में विस्फोट हुआ है, तो यह कौन से कंट्री के अंदर है,
ये एक्टिव जो आपका वॉल्केनो है, आपका ज्वालामुखी है, तो ये कहां पर? जापान, जापान में, ठीक है ना, जापान में। अगला प्रश्न है हमारे पास, विश्व बैंक में विकास अर्थशास्त्र के लिए नए मुख्य अर्थशास्त्री और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक के विकास अर्थशास्त्र के लिए नए मुख्य विद्यार्थियों अर्थशास्त्री और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में जिन व्यक्ति को नियुक्त किया गया, इनका नाम क्या है विद्यार्थियों? इंदरमीट गिल, ठीक है ना, इंदरमीट क्या आएगा? गिल आएगा, इंदरमीट गिल, चलेगा। अगला प्रश्न, दिलीप कुमार, बुक का नाम क्या है? बुक का टाइटल है दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ लेजेंड। इन द शैडो ऑफ विद्यार्थियों क्या दिया गया? लेजेंड। तो ये फैजल फारूकी के द्वारा, किसके द्वारा लिखे गया? फैजल विद्यार्थियों फारूकी के द्वारा, फैजल फारूकी। अगला प्रश्न दिया गया कि भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर किस देश के क्रिकेट मैदान का नाम रखा गया है? देखिए, विच कंट्रीज क्रिकेट ग्राउंड हैज बीन नेम्ड आफ्टर द इंडियाज विद्यार्थियों? क्रिकेटर सुनील गावस्कर, भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर किस देश के क्रिकेट ग्राउंड का नाम रखा गया है? तो देखिएगा, कहां पर रखा गया आपका? इंग्लैंड के अंदर। कहां पर रखा गया विद्यार्थी? इंग्लैंड के अंदर रखा गया है, इंग्लैंड। नेक्स्ट सवाल, कौन सा सेमीकंडक्टर विद्यार्थियों, यानी कि जो आपका सेमीकंडक्टर, बिल्कुल सही समझ रहे आप लोग, यानी इस पर पॉलिसी लाई गई जिससे राज्य के अंदर जो स्टार्टअप शुरू किया जाएगा उसमें लोगों को अधिक से अधिक फायदा हो, तो इस पर पॉलिसी बनाई गई। Which state has become the first state to launch semiconductor policy? ठीक है, तो ये कौन से राज्य ने लाया आपका? गुजरात के द्वारा लाया गया है। जब हम लोग गुजरात जाएंगे तो गुजरात में हमें क्या देखने को मिलेगा? तो आपको ऑयल रिफाइनरी क्षेत्र कलोल, और कौन सा दिखेगा आपको? तो अंकलेश्वर, अंकलेश्वर भी देखने को मिल जाएगा। कलोल और अंकलेश्वर इसी राज्य में है। कौन से राज्य में? तो ये हमारे गुजरात में है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण, यानी कि इंटरनेशनल, विद्यार्थियों जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर ऑथोरिटीज, ठीक है ना, IFSCA के मुख्य भवन की आधारशिला रखी, तो ये कहां पर रखी गई? हमारे गांधीनगर के अंदर। गुजरात की कैपिटल कहां पर है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर, चलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as India next विद्यार्थियों High Commissioner to United Kingdom? तो अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया आपका विक्रम विद्यार्थियों दोराई स्वामी, विक्रम दोराई स्वामी को, ठीक है ना, विक्रम दोराई स्वामी को नियुक्त किया गया है। चलेगा, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बर्मिंगहम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला पदक किसने दिलाया? तो भारत को जो पहला पदक दिलाया था वो किसने? साकेत वर्मा, साकेत वर्मा विद्यार्थियों। और कौन सा पदक दिलाया इन्होंने? तो इन्होंने भारत को सिल्वर, सिल्वर दिलाया था, ठीक है, भारत को सिल्वर दिलाया था, ठीक है ना। चलेगा, अगला देखिएगा, अगला सवाल, अगला सवाल, पंजाब का खेल विभाग ने पंजाब खेल मेला का आयोजन किया, तो इसमें कितने खेल शामिल किए गए थे? तो इसमें कितने खेल शामिल किए गए थे आपके? तो 30 खेलों को शामिल किया गया था। साथ ही साथ आप जब पंजाब जाओगे तो पंजाब में एक ट्रेडिशनल विद्यार्थियों फुलकारी, फुलकारी के यहां पर, तो ये ट्रेडिशनल विद्यार्थियों
आर्ट है, ठीक है ना, ट्रेडिशनल आर्ट आपका फुलकारी, ठीक है, चलेगा। ये फ्लोर आर्ट है आपका, फ्लोर आर्ट। कॉमनवेल्थ 2022 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने दिलाया? बर्मिंगम खेलों में भारत के लिए पहला जो गोल्ड मेडल दिलाया वो किसने दिलाया? तो मीराबाई चानू ने। समझ किसने दिलाया विद्यार्थी हो? मीराबाई चानू। अगला प्रश्न दिया गया, जो हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 में होती है, हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स, तो ये किसने जीता? तो फॉर्मूला वन रेसर मैक्स वर्स्टैपन ने। किसने? मैक्स, विद्यार्थी हो, वर्स्टैपन ने। केंद्र मंत्री सर्वानंद सोनवाल ने किस शहर में चाबहार दिवस के रूप में यह सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो चाबहार क्या आपका, सुबह भी बताया था आपको यही सवाल कि चाबहार एक पोर्ट है, इस पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए तीन देश काम कर रहे हैं, एक आपका ईरान कर रहा है, एक विद्यार्थियों इंडिया कर रहा है, और एक कौन सा कर रहा है, तो अफगानिस्तान। तो ये तीन देश इस पर काम कर रहे हैं, चाबहार पोर्ट पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका? मुंबई। कहां पर क्या गया आपका? मुंबई के अंदर, ठीक है ना, कहां पर? मुंबई के अंदर, ठीक है, चलेगा, मुंबई के अंदर। बर्मिंगहम में जो 2022 में राष्ट्रमंडल खेल हुए, तो देखिए भारत ने सीडब्ल्यूजी जो 2022 में कहां पर हुए? बर्मिंगहम में। तो भारत ने इसमें देखेगा जो एथलीट भेजे वो कितने थे? तो 213 एथलीट थे, हमने 213 खिलाड़ियों को भेजा। तो उसमें सबसे कम उम्र का जो खिलाड़ी था वो कौन था? तो अनाहत सिंह को भेजा गया, और इनकी उम्र कितनी थी? 14 वर्ष थी। किस खेल के लिए भेजा गया इन्हें? तो ये स्क्वैश में गए थे, आपके स्क्वैश खेल में भेजा गया था 14 वर्ष की उम्र में, ठीक है, चलेगा, स्क्वैश से थे संबंध है आपका। अगला प्रश्न, विच कंट्री हैज बिकम द सेवंथ कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च अ मिशन टू मून? लॉन्च, विद्यार्थियों, अ मिशन टू मून, कौन सा देश चंद्रमा पर मिशन लॉन्च करने वाला दुनिया का सातवां देश बन गया है? आए समझ में? तो ये दुनिया का जो सातवां देश बना, तो कौन सा बना? साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया की जो मुद्रा है वो क्या है? वॉन। और कोरिया की जो कैपिटल वो क्या है? सियोल कैपिटल है यहाँ की, ठीक है ना, सियोल क्या हो गई? कैपिटल हो गई। अगला प्रश्न देखेगा, भारतीय शतरंज खिलाड़ी और 5 बार के विश्व विजेता विश्वनाथ आनंद को फीडे का उपाध्यक्ष बनाया गया। विश्वनाथ आनंद को फीडे का उपाध्यक्ष बनाया गया, तो फीडे का मुख्यालय कहां पर है? यह सवाल डिक्टो पूछा गया था, कहां पर? बीएसएफ जेई के अंदर। बीएसएफ जेई के अंदर के फीडे का मुख्यालय बताएगा, तो फीडे का जो मुख्यालय कहां पर है? लोसाने के अंदर। कहां पर है विद्यार्थियों? लोसाने के अंदर। और आईओसी का मुख्यालय भी कहां पर है? लोसाने के अंदर। लोसाने यानी कि हो सकता है आपको कंट्री का नाम पूछ ले, तो ये कहां पर है हमारा? स्विट्जरलैंड में। इसको क्या हो गया? ये विद्यार्थी हमारा कहां पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है ना, ये हमारा स्विट्जरलैंड में हमें देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न, आजादी का अमृत महोत्सव हमने 2022 में मनाया, तो बढ़े चलो अभियान, कौन सा अभियान? बढ़े चलो अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? यह सवाल यूपी पैट में पूछा गया था, यूपी पैट में यह सवाल पूछा गया था, ठीक है ना, यूपी पैट के अंदर सवाल पूछा गया था कि बढ़े चलो अभियान किस मंत्रालय ने चलाया, तो भारत के कौन से मंत्रालय के द्वारा? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था बढ़े चलो अभियान। हिरोशिमा दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है, किस तारीख को? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के अंदर विद्यार्थी अमेरिका ने जो बॉम्ब डाले थे, ठीक है ना, तो देखिएगा तो कौन सा? 6 अगस्त 1945 को आता है, जबकि नागासाकी में दिवस जो मनाया जाता है आपका, तो वो 9 अगस्त को मनाया जाता है, 9 अगस्त को, चलेगा। लक्ष्य सेन ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए स्वर्ण पदक
जीता तो किस खेल में? देखेगा लक्ष्य सेन ने हमें स्वर्ण पदक दिलाया 2022 में, तो किस खेल में? तो 2022 में इन्होंने किस खेल में? बैडमिंटन में। किस में आपका? बैडमिंटन में इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया विद्यार्थी। किस में दिलाया? बैडमिंटन में। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे दिया गया, शरत कमल ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? देखिएगा जो आपके कॉमनवेल्थ गेम हुए 2022 में, कॉमनवेल्थ गेम कहां पर? बर्मिंघम के अंदर। तो इसमें हमने 22 तो गोल्ड थे, सिल्वर कितने थे आपके? 16, और ब्रॉन्ज कितने थे आपके? 23। गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर, यानी कि आपके, तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो याद रखिएगा विद्यार्थियों, शरद कमल टेबल टेनिस से, टीटी शरद कमल किससे? टेबल टेनिस से। अगला प्रश्न देखिएगा, डी पाल विद्यार्थियों आर ग्राम जो डस्टोन करके लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो इस सम्मान से सम्मानित किया गया था किसे? दलाई लामा को। ठीक है ना, लद्दाख जब हम जाओगे, जब लद्दाख हम जाएंगे तो देखेगा यहां के एलजी कौन है? उपराज्यपाल। तो यहां के उपराज्यपाल कौन है? लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो आर के माथुर, आर के विद्यार्थियों माथुर। ठीक है ना, जबकि यहां के देखेगा अगर बात की जाएगी, लद्दाख में हैमिस त्योहार भी मनाया जाता है, हैमिस विद्यार्थियों फेस्टिवल भी मनाया जाता है, हैमिस फेस्टिवल भी मनाया जाता है। ठीक है ना, चलेगा। अगला प्रश्न देखेगा, भारत और संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का 13वां संस्करण अगस्त 2022 में आयोजित किया गया था। तो देखिए वज्र प्रहार, वज्र प्रहार क्या है? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो इंडिया और कौन भाग लेता है इसमें? तो यूएसए भाग लेता है। भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित होने वाला ये क्या है आपका? संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगला प्रश्न दिया गया कि बर्मिंघम में जो आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने पदक हासिल किए? तो 2022 में भारत ने कितने पदक? तो ये पदकों की संख्या कितनी थी आपकी? 61। 61 पदक प्राप्त किए हमने, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि गोल्ड कितने थे, ब्रॉन्ज सॉरी सिल्वर कितने थे और ब्रॉन्ज कितने थे, इन सबको टोटल करेगा तो टोटल कितने हो गए आपके? 61 हो गए। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने गोल्ड थे? तो गोल्ड आपके 22 थे। अगला सवाल, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में दूसरी पीढ़ी के विद्यार्थियों एथेनॉल प्लांट को लॉन्च किया? तो ये कहां पर हमारा? तो ये किया गया कहां पर? हरियाणा के अंदर। ठीक है ना, हरियाणा। किस राज्य सरकार ने नेतन्ना कु विद्यार्थी बीमा योजना शुरू करी है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च नेतन्ना कु बीमा स्कीम? तो ये लॉन्च की गई हमारे किसके द्वारा? तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। तेलंगाना से एक सवाल जरूर पूछा जाता है आपका कि प्रसिद्ध निजाम सागर और हुसैन सागर कौन से राज्य में है? तो ये हमारे तेलंगाना राज्य के अंदर ही है, निजाम सागर और हुसैन सागर। 44 में ओलंपियाड में पुरुष वर्ग का जो खिताब जीता आपका, स्वर्ण पदक जीता किसने? जो 44वां चेस ओलंपियाड 2022 में आयोजित हुआ, कहां पर? इंडिया के चेन्नई में। तो किसने? उज्बेकिस्तान। किसने विद्यार्थियों? उज्बेकिस्तान। अगला, हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर ली? देखिएगा टेनिस प्लेयर जिन्होंने संन्यास की घोषणा करी है वो कौन है? सेरेना विलियम्स। और सेरेना विलियम्स किस कंट्री को रिप्रेजेंट करती है? तो ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके अमेरिका को, टेनिस प्लेयर सेरेना विलियम्स। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखेगा, 2021-22 के सीजन के लिए AIFF विद्यार्थियों जो कि पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया, तो किसे सम्मानित किया गया? फुटबॉलर सुनील छेत्री को। सुनील छेत्री को
इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चल नेक्स्ट प्रश्न दिखा गया, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ और गांधी जी ने इसी समय पर डू एंड डाई का नारा दिया था। डू एंड विद्यार्थियों डाई का नारा दिया गया था, करो और मरो का नारा, और ये इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 8 अगस्त 1942 को। और देखिएगा 9 अगस्त को, यानी कि अगले ही दिन 9 अगस्त को जितने भी बड़े नेता थे जो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थे उन सभी को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ब्रिटिश सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, उन सबको जेलों में भर दिया, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे के रूप में 12 जनवरी को, और 12 जनवरी को इसलिए मनाते हैं हम क्योंकि उस दिन स्वामी विवेकानंद की क्या आती है, बर्थ एनिवर्सरी आती है। ठीक है, तो वो तो हो गया आपका राष्ट्रीय, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखिएगा मनाया जाता है आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी बताया था ना मैंने आपको दलाई लामा को, यानी कि तिब्बती धर्मगुरु। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस तो यह हमारा 12 अगस्त को आता है, दोबारा रिपीट हो गया। जैस्मिन विद्यार्थियों लैम्बोरिया, जैस्मिन लैम्बोरिया ने किस खेल में कांस्य पदक जीता? जैस्मिन लैम्बोरिया ने किस खेल में कांस्य पदक जीता? तो इन्होंने मुक्केबाजी में, किसमें जीता विद्यार्थी आपका? मुक्केबाजी में। अगला क्वेश्चन, भावना पटेल राष्ट्रमंडल खेलों में, यानी कि जो बर्मिंघम में हुए, तो भारत के लिए किस खेल में इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया? भारत के लिए विद्यार्थियों किस खेल में इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया, ऐसा सवाल आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इन्होंने कौन से खेल में स्वर्ण पदक दिलाया? तो यह दिलाया था इन्होंने किस में, पैरा टेबल टेनिस में। आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है कि भावना पटेल किस खेल से संबंधित है, तो पैरा विद्यार्थियों टेबल टेनिस से जुड़ी हुई है। ठीक है, अगला सवाल, किस भारतीय कंपनी ने पहली बार फॉर्च्यून आपका ग्लोबल 500 सूची में प्रवेश किया है? विच इंडियन कंपनी हैज विद्यार्थी इंटर फॉर्च्यून विद्यार्थी ग्लोबल 500 लिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? तो किसने आपका, तो याद रखेगा LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है ना, LIC, LIC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में, 1 सितंबर 1956 को। अगला प्रश्न, भारत किस देश के साथ अक्टूबर 2022 में उत्तराखंड के ओली में विद्यार्थियों क्या किया गया आपका, युद्ध अभ्यास, सैन्य अभ्यास का नाम था युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास उत्तराखंड के ओली में आयोजित किया गया। भारत और किस देश के बीच में आयोजित होने वाला यह एक क्या था आपका, सैन्य अभ्यास था। भारत और विद्यार्थियों किसके बीच में, तो याद रखेगा अमेरिकन सेना के बीच में, और देखेगा यूएसए, इंडिया और यूएसए के बीच में आयोजित होने वाला। अगला प्रश्न देखेगा, ऋषभ पंत, और ऋषभ पंत के साथ साथ अभी प्रसून जोशी को भी बनाया गया, प्रसून विद्यार्थियों जोशी को भी बनाया गया। ठीक है ना, तो प्रसून जोशी को भी नियुक्त किया गया है, तो किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर, तो ये हो गया हमारे उत्तराखंड के, उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो प्रसून जोशी को बनाया गया है, प्रसून जोशी। आए समझ में, चलेगा नेक्स्ट प्रश्न, आपके सवालों का अगला सवाल देखेगा, शशि थरूर को किस देश का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो शशि थरूर को विद्यार्थियों कहां का, फ्रांस के सर्वोच्च विद्यार्थियों सम्मान, नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न, उदार शक्ति जो क्या है आपका, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और किस देश के बीच में? रिसेंटली इंडिया कंडक्ट द बायलैटरल एक्सरसाइज उदार शक्ति
उधार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में, और मलेशिया की देखेगा कैपिटल कुआलालंपुर हो गई, और करेंसी कौन सी है? रिंगेट। मलेशिया की करेंसी है रिंगेट। कॉमनवेल्थ विद्यार्थियों, कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ फेंसिंग विद्यार्थियों चैंपियनशिप 2022 में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता? कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता? ऐसा सवाल आपसे पूछा गया। तो भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता? तो ये आएगा आपका गोल्ड। ठीक है ना, कौन सा जीता विद्यार्थियों? गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल। अगला प्रश्न, पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग, पहली विद्यार्थियों खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग यानी कि अंडर 16, अंडर 16 का आयोजन, अंडर 16 का विद्यार्थियों आयोजन किया गया। ठीक है ना, तो कहां पर किया गया? तो अंडर 16 का आयोजन जो किया गया था आपका कहां पर? नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। ठीक है, चलेगा। अगला सवाल देखिए, पुलित्जर पुरस्कार विजेता डेविड विद्यार्थियों मैकुला का हाल ही में निधन हो गया, तो उन्होंने किस वर्ष पुलित्जर पुरस्कार जीता था? उनको पुलित्जर पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो इनको पुलित्जर पुरस्कार से कब? 1993 में। मैं आपको मॉर्निंग में बताया गया था कि जो पुलित्जर पुरस्कार है ये जर्नलिज्म में दिया जाता है, यानी कि आपके पत्रकारिता में। ये किस में दिया था? आपका पत्रकारिता में। ठीक है ना, पत्रकारिता में देखिएगा कब से दिया जा रहा है, तो ये 1917 से दिया जा रहा है, 1917 से ये पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा? तो ये दिया जाता है आपका अमेरिकन सरकार के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान। अगला प्रश्न ये रहा हमारा, टाइम्स पत्रिका ने किस भारतीय शहर को 2022 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में सूचीबद्ध किया है? वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022, व्हिच इंडियन सिटी हैज बीन लिस्टेड बाय टाइम्स मैगजीन इन इट्स लिस्टेड ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022। तो 2022 में तो यहां पर किसकी बात करेंगे? अहमदाबाद। किसको किया गया? अहमदाबाद को। और अहमदाबाद आप जानते हो कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, तो जाना पड़ेगा अहमदाबाद, है ना, घूमने के लिए जाना पड़ेगा कि अहमदाबाद कैसा है। चलेगा, तो विद्यार्थी मैंने बताया, अभी पूछा भी था आपके, का नागन विद्यार्थियों हाली, का नागन हाली एक प्राचीन बौद्ध स्थल है जो कि किस राज्य का केंद्र शासित प्रदेश में आता हमारा? तो यह आता हमारा कहां पर? कर्नाटक के अंदर। ठीक है ना, विलियम्स रूटो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? विलियम रूटो हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो विलियम रूटो कहां के बने हैं? तो ये बने आपके कहां के? केन्या। केन्या की कैपिटल कहां पर है? नैरोबी के अंदर। और इसकी जो करेंसी है ना वो क्या है विद्यार्थियों? सीलिंग। केन्या की जो मुद्रा है ना वो क्या है? सीलिंग इसकी मुद्रा हो गई, सीलिंग। केन्या की जो मुद्रा वो क्या है? सीलिंग है। ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न ये रहा हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसे गरुड़ विद्यार्थियों एरोस्पेस, गरुड़ एरोस्पेस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? वो अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गरुड़ एरोस्पेस? तो गरुड़ एरोस्पेस का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? एमएस धोनी को। एमएस धोनी को विद्यार्थियों गरुड़ एरोस्पेस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है ना, गरुड़ एरोस्पेस का ब्रांड एम्बेसडर विद्यार्थियों बनाया गया है। अगला सवाल, बैखो उत्सव भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो बैखो हमारा असम में, असम में। इसके अलावा कौन सा मनाया जाता है? तो एक और आएगा आपका आंबुबाची उत्सव, आंबुबाची होगा। और कौन सा होगा विद्यार्थियों आपका आंबुबाची के अलावा? सर देखेगा बैखो, लिखा है ना आपका बैखो,
उसके बाद कौन सा आएगा आपका बिहू, बिहू के बाद कौन सा आएगा विद्यार्थियों बांबू नृत्य, बांबू डांस भी इसी राज्य का है, ठीक है ना, चलेगा। तो देखिए बांबू नृत्य, बच्चा मैं थोड़ा सा आपको 2 मिनट का ब्रेक दूंगा, इस दौरान आप लोग भी थोड़ा गर्म पानी पी लीजिएगा और हम भी थोड़ा गर्म पानी की तलाश में निकलते हैं, ठीक है ना, चलेगा। चलेगा बच्चा, ठीक है ना, चलेगा। तो शुरू करते हैं हम लोग आगे का सफर, आगे आप लोगों को किस तरह के सवाल यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो जल्दी से हम लोग क्लास को एक बार फिर से प्रारंभ करते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर कर लीजिएगा, चलेगा। देखिएगा हिंदू, देखिए शीतल सटी किस राज्य में मनाया जाता है, हिंदू फेस्टिवल शीतल सटी भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो ये ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। शीतल सटी विद्यार्थियों भारत के कौन से राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है, तो शीतल सटी आपके ओडिशा में मनाया जाता है। आपसे पूछा गया कि सद्भावना दिवस भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर 20 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए सद्भावना दिवस के रूप में 20 अगस्त को जो हम मनाते हैं, तो ये राजीव गांधी जी के, देखिए किसके विद्यार्थी हो, तो ये राजीव गांधी जी के, राजीव गांधी क्या है आपका, राजीव गांधी, ठीक है ना, पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर मनाया जाता है, तो राजीव गांधी आएगा आपका, ठीक है, राजीव गांधी, चलेगा। अगला प्रश्न देखेगा, भारत की पहले 3D विद्यार्थियों प्रिंटेड आपका कॉर्निवॉल किस शहर में आयोजित किया गया था, तो ये जो आपका 3D विद्यार्थियों प्रिंटेड कॉर्निवॉल का आयोजन किया गया कहां पर, हैदराबाद के अंदर, कहां पर किया गया आपका ये, हैदराबाद के अंदर, ठीक है ना, हैदराबाद, हैदराबाद के अंदर इसका आयोजन किया गया, आए समझ में, चल अगला प्रश्न देखिए, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कॉन्वेंस यानी कि आपका
कार्यकारी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो यह किया गया था आपका किसे, साइमन विद्यार्थियों स्टीले को। ठीक है, आप सभी लोग जानते हो कि जलवायु परिवर्तन पर प्रत्येक वर्ष क्या होता है, सम्मेलन होता है, और इसे किस नाम से जानते हैं हम लोग, कॉप के नाम से। कॉप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये जलवायु परिवर्तन पर होने वाला सम्मेलन है। जलवायु परिवर्तन पर होने वाला क्या है, आपका सम्मेलन है। ठीक है, अब ये सम्मेलन प्रत्येक वर्ष आपका आयोजित होता है, तो कब होता है देखिएगा, इस बार 2022 में कौन से नंबर का हुआ, ये 27वां हुआ, और कहां पर हुआ विद्यार्थियों, इजिप्ट के अंदर यानी कि मिस्र में इसका आयोजन हुआ। COP27 का आयोजन कहां पर हुआ, इजिप्ट के अंदर, और 5 बजे की जो हमारी क्लास होती है ना जनरल अवेयरनेस की, वहां पर मैंने इसके बारे में पूरा चर्चा भी करा, आपको इजिप्ट घुमा के ले गया और इजिप्ट के बारे में भी सारी चीजें बताई थी आपको। चलेगा, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर पूर्ण रूप से साक्षर शहर बन गया है, पूर्ण रूप से विद्यार्थियों ये एक साक्षर शहर बन गया हमारा, तो कौन सा आएगा आपका, तो ये आएगा आपका मंडला करके। ठीक है ना, मंडला मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं, मध्य प्रदेश को विद्यार्थियों किस नाम से जानते हैं आप लोग, सोया प्रदेश भी कहते हैं। मध्य प्रदेश को विद्यार्थियों टाइगर, टाइगर स्टेट भी कहते हैं, मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला सवाल, देश की पहली डबल डेकर एसी, देश की पहली विद्यार्थियों डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस किस शहर में लॉन्च की गई है, देश की पहली डबल डेकर एसी बस को किस शहर में लॉन्च किया गया है, तो ये जो लॉन्च किया गया आपका कौन से शहर में लॉन्च किया गया है, देश की पहली डबल डेकर एसी बस को, तो कहां पर किया गया, मुंबई। आज के दिन में आप अगर कहां जाते हो, मुंबई जाते हो, मुंबई महाराष्ट्र जाते हो, तो यहां पर कौन सा उत्सव मनाते हो, गणपति उत्सव, कौन सा, गणपति उत्सव, यहां पर कौन सा मनाते हो, शिवाजी उत्सव मनाते हो। ठीक है ना, और कौन सा मनाते हो यहां पर, यहीं पर लावणी भी मनाया जाता है, यहीं पर विद्यार्थी आपका मलखम भी मनाया जाता है। ठीक है, गणपति उत्सव आपका, लावणी, शिवाजी उत्सव, लावणी, मलखम, ये सभी के सभी उत्सव आपके मनाए जाते हैं। ठीक है, चलेगा, अगला प्रश्न, कौन सा राज्य देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है, हर घर विद्यार्थियों जल प्रमाणित जो राज्य बन गया है वो कौन सा राज्य हमारा, तो ये हमारा कौन सा बन गया, गोवा। सर गोवा की कैपिटल कहां पर है, तो गोवा की कैपिटल पणजी में है, कहां पर है, पणजी, और पणजी कौन सी नदी के किनारे है, तो ये मांडवे नदी के किनारे है। ठीक है ना, जब हम लोग गोवा जाते हो तो हमें यहां पर नेशनल पार्क कौन सा देखने को मिलता है, तो सलीम अली बर्ड सेंचुरी, सलीम अली पक्षी अभयारण्य देख जाएगा आपको, और कौन सा दिखेगा आपको, भगवान महावीर, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको कहां पर देखने को मिलता है, इसी राज्य में देखने को मिलता है। ठीक है ना, चलेगा, अगला सवाल हमारे सामने जो दिया गया, भारत ने हाल ही में किस देश को विद्यार्थियों डॉर्नियर मैरिटाइम टोही विमान उपहार में दिया, तो भारत ने किसे दिया ये, तो ये दिया भारत ने किसे, श्रीलंका को। श्रीलंका और भारत के बीच में जो स्ट्रेट आपको कौन सी है, तो पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट क्या करती है, जो इंडिया को विद्यार्थी यानी कि श्रीलंका से अलग करती है, या श्रीलंका को भारत से अलग करती है, ये भारत से विद्यार्थियों क्या करती है, श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है ना, चलेगा, अगला प्रश्न दिया गया आपका, सुल्तान अजलान शाह कप किस देश में आयोजित किया जाता है,
सुल्तान अजलान शाह कप किस देश में है? तो ये प्रत्येक वर्ष आपका कहां पर होता है? मलेशिया के अंदर। और ये किस खेल से संबंधित है आपका? सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? ऐसा सवाल अगर पूछा जाए तो हमारा आंसर क्या बनेगा? अगला सवाल देखिएगा, दही हांडी को, दही विद्यार्थियों हांडी को देखे, विच स्टेट हैज अनाउंस द दही हांडी विल नाउ रिकॉग्नाइज एज एन ऑफिशियल स्पोर्ट्स इन द स्टेट। किस राज्य ने घोषणा की है कि दही हांडी को अब राज्य में एक आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी जाएगी? तो ऐसा किसने कहा? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ऐसा कहा आपका, ठीक है। तो मलखम को तो पहले ही हमने खेलो इंडिया यूथ गेम में शामिल किया है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो आयोजन होगा वो कहां पर होगा? देखिएगा, हम लोग प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, पीबीडी के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है आपका। कब? तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन गांधी जी 1915 में कहां से आए थे? तो साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया लौटे थे, इस कारण मनाते हैं। अब इस बार जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन होगा तो वो कहां पर होगा? तो ये होगा आपका इंदौर के अंदर। इंदौर जो कि कहां पर? हमारा मध्य प्रदेश में। और देखिएगा, यहां पर होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट या देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहां पर हमारा? तो ये इंदौर के अंदर ही है। आए समझ में? तो ये सवाल पूछेगा आपसे। अगला सवाल, भारतीय सेना और चीनी सेना जो कि विद्यार्थियों अगस्त से लेकर सितंबर के मध्य आयोजित जो सैन्य अभ्यास था आपका वोस्तोक करके, ठीक है ना, तो इसमें भाग लिया, बहुत सारे देशों ने इसमें भाग लिया, ठीक है। तो उसमें भारत और चीन की सेना दोनों थी, तो कहां पर हुआ था ये? रशिया के अंदर। रूस के अंदर होने वाले सैन्य अभ्यास में तो भारत और चीन ने भी भाग लिया, ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया, ठीक है ना? तो एक प्रतिमा का अनावरण किया गया कहां पर? तो याद रखेगा, प्रागवे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तो कहां पर विद्यार्थियों? प्रागवे के अंदर, ठीक है ना, चलेगा। अगला प्रश्न, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए कौन सी राज्य सरकार राज्य में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी, ठीक है। तो कौन सी राज्य देखेगा? तो ये राज्य हमारा कौन सा है? छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, मजबूत करने के लिए देखेगा तो छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देखेगा, एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो एससीओ के विद्यार्थी, ये बैठक आपका उज्बेकिस्तान के अंदर। वही एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन, ठीक है ना, जिसमें 8 सदस्य हैं और नवा कौन बन रहा है आपका? ईरान बनेगा, नवा ईरान बनेगा, ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन, चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर अब किसके नाम पर रखा गया? शहीद भगत सिंह चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल हवाई अड्डा कर दिया गया है, ठीक है ना, चल। अगला सवाल हमारे पास, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के रूप में अंकित होने के लिए भारत सरकार के द्वारा कितने नृत्यों को, देखिए किस नृत्य को नामित किया गया है? यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत
सूची में शामिल करने के लिए, तो किसे, तो ये आपका कौन सा आएगा, गरबा नृत्य को शामिल किया गया। देखिए गरबा, गरबा गुजरात का गरबा नृत्य, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में होमी भाभा कैंसर जो हॉस्पिटल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में होमी भाभा कैंसर और अस्पताल अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया, तो यह किया गया आपका कहां पर, मोहाली के अंदर। कहां पर किया गया विद्यार्थियों, मोहाली के अंदर, मोहाली। चलेगा, अमेरिका की इनसाइडर ऑनलाइन पत्रिका के लिए काम करने वाली फहमिदा अजीम को पुलित्जर पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया, वो कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, 2022 के लिए पुलित्जर पुरस्कार फहमिदा अजीम को दिया गया, तो ये कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, मालदीव, बांग्लादेश, ईरान, या कहा के विद्यार्थियों, बांग्लादेश, बांग्लादेश को रिप्रेजेंट करती है, बांग्लादेश, किसे, बांग्लादेश को रिप्रेजेंट करती है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भारत के पहले खारे पानी के प्रकाश, देखिएगा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में किस उपकरण का अनावरण किया है, विच इंस्ट्रूमेंट वॉज द रिसेंटली, देखिए विद्यार्थी यहां पर यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इंडिया फर्स्ट सॉल्ट वाटर लाइट की बात की गई, तो वो कौन सा है, लालटेन विद्यार्थी, कौन सा है, लालटेन, ठीक है ना। चलेगा अगला प्रश्न, चांगवोंग 2022 शूटिंग विश्व कप में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता, तो ये कौन थे आपके, तो ऐश्वर्या विद्यार्थियों तोमर, ऐश्वर्या तोमर किससे हैं, चांगवोंग, जो कि साउथ कोरिया के अंदर आपका शूटिंग विश्व कप का आयोजन हुआ था, संघाई सहयोग जो रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करा, तो ये उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की कैपिटल कहां पर है, ताशकंद के अंदर है ना, ताशकंद, और ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ था, 1966 में, किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, समझो 1965 के युद्ध के बाद, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद यह समझौता होता है, ठीक है। चलेगा अगला प्रश्न, देखिएगा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है, किसे फिर से नियुक्त किया गया, ऐसा सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक है ना, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के, तो किसे चुना गया विद्यार्थियों, तो ये मिनेश शाह को चुना गया, और ये बोर्ड की स्थापना कब हुई थी आपकी, 1970 में, जो विद्यार्थी आपका पहले करनाल के अंदर था, अब करनाल में काउंसिल है, और ये कहां पर हमारा, आनंदा, आनंदा यानी कि गुजरात में, ठीक है ना, और भारत में जो व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वर्गीस कुरियन के द्वारा 1970 में किया गया था, ठीक है। चलेगा अगला प्रश्न हमारे सामने जो दिया गया, लिबर्टी विद्यार्थियों मेडल 2022, लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, Who has been honored with Liberty Medal 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये व्लादिमीर जेलेंस्की को, इस जो कि क्या है, व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति है, ठीक है ना, यूक्रेन के राष्ट्र अध्यक्ष जेलेंस्की, व्लादिमीर विद्यार्थी जेलेंस्की, प्रधानमंत्री मोदी ने खादी उत्सव का उद्घाटन किया विद्यार्थियों किस शहर में, या इसे संबोधित किया गया, तो किस शहर में, सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा खादी उत्सव को किस शहर में संबोधित किया गया, तो यह किया गया आपका कहां पर, अहमदाबाद के अंदर, अहमदाबाद के अंदर किया गया, ठीक है ना, अहमदाबाद। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, किस झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया, विच लेक हैज बीन डिक्लेयर अ मोन्यूमेंट ऑफ द विद्यार्थियों नेशनल आपका इंपॉर्टेंस, किस झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है,
तो देखिएगा किस झील को, तो ये क्या गया हमारा कौन सा अनंतनाग, देखिएगा अनगनाग झील, अनगनाग झील, अनगनाग झील कौन से राज्य में है। डल झील, सांबर झील, पुलिकट पड़ा, आज अनंग विद्यार्थियों ताल आपको। गुड आफ्टरनून बच्चा, गुड आफ्टरनून, अभी तो बहुत सुबह चार्ज थोड़ा लेट हो गया आपको, वैसे भी आप तो रेगुलर क्लासों में रहते हैं, ये सभी सवाल आपने देखे भी हैं और अच्छे से आपने पढ़ा भी है इनको, ठीक है ना। चलेगा, हम तो अब लगभग लगभग आपका क्लास के समाप्ति की ओर है, ठीक है, लास्ट 20 मिनट हम और रखेंगे क्लास को और उसके बाद आपकी छुट्टी कर देंगे, ठीक है ना, 20 मिनट और रहेगी क्लास। अगला प्रश्न देखिएगा, डीआरडीओ, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय पर, डीआरडीओ, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, तो 1958 में, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई 1958 में, और डॉक्टर समीर वी कामंत, देखिएगा डॉक्टर समीर, विद्यार्थियों वी कामंत, डॉक्टर समीर वी कामंत क्या है वर्तमान समय पर डीआरडीओ के नए अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेगा, भारत के किस जिले में सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों आकांक्षी जिला घोषित किया गया है, देखिएगा बेस्ट विद्यार्थियों एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, विच डिस्ट्रिक्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट विद्यार्थियों आपका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, तो किसे घोषित किया गया, तो यह किया गया कहां पर, हरिद्वार, और हरिद्वार कहां है, उत्तराखंड में, और यहां पर क्या होता है आपका कुंभ मेले का आयोजन भी होता है, किसके किनारे, तो ये गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, ठीक है ना, गंगा नदी के किनारे। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, शरणार्थियों का स्वागत करने के उनके प्रयासों के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, Who has been honored UNESCO Peace Prize 2022? Her effort for to विद्यार्थी welcome refugees, ठीक है, तो ये किसे दिया गया आपका, तो ये पुरस्कार दिया गया किसे, किसे, एंजेला विद्यार्थियों मार्केल, जर्मन के पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला सवाल देखिएगा, न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग विद्यार्थियों 2024-19 was released book title New India selected writing 2014 विद्यार्थी और 19 यानी 2014-2019, तो ये एम वेंकैया नायडू, ये पूर्व के विद्यार्थियों उपराष्ट्रपति, इनके द्वारा क्या किया गया था, जारी किया गया था। मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता किसने, किसने, मिस दिवा यूनिवर्स 2022, तो ये खिताब किसने जीता, ये खिताब जीता आपका किसने, तो दिविता रॉय ने, किसने जीता विद्यार्थियों, दिविता रॉय को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किसे किया गया, दिविता रॉय को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, नीरज चोपड़ा ने लोसाने डायमंड लीग में कितने मीटर विद्यार्थियों सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया कि भाला फेंक प्रतियोगिता जीती, तो डायमंड लीग का आयोजन हुआ और नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो यानी कि आपका भाला फेंक में कितना मीटर, तो यहां इन्होंने 89.08 मीटर तक फेंका था, कहां पर, डायमंड लीग में, डायमंड लीग यानी कि कहां पर आयोजित हुई आपकी, लोसाने, और लोसाने कहां पर है, स्विट्जरलैंड के अंदर, लोसाने स्विट्जरलैंड के अंदर इसका, देखिए खेल डायमंड लीग का आयोजन हुआ था, ठीक। चलेगा, अगला प्रश्न है, जेम्स एंडरसन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं, वह किस देश से हैं? जेम्स एंडरसन हैज बिकम द फर्स्ट एवर फास्ट बॉलर टू विद्यार्थियों कंप्लीट 90 यानी कि 950 विकेट इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो ये कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं आपका किसे, इंग्लैंड को, किसे रिप्रेजेंट करता है विद्यार्थियों, इंग्लैंड को, ठीक है ना। चलेगा, अगला प्रश्न देखेगा, सेबी, सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यह नियुक्त किया गया आपका अनंत विद्यार्थी, ठीक है ना, अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को,
अनंत नारायण विद्यार्थियों गोपाल कृष्णन को किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। बेल्जियम फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? Who has won Belgium Formula One Grand Prix 2022? तो ये किसने जीता आपका? तो ये मैक्स वेरस्टैपन। मैक्स वेरस्टैपन कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं? मैक्स विद्यार्थियों वेरस्टैपन कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं? मैक्स वेरस्टैपन किस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा सवाल हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कौन सी कंट्री को? अगला सवाल, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। देखिएगा मेजर ध्यानचंद जी की बर्थ एनिवर्सरी को, यानी कि मेजर ध्यानचंद जी विद्यार्थी, ठीक है ना, मेजर ध्यानचंद जी की आती है इस दिन बर्थ एनिवर्सरी आती है, और इसी दिन हम लोग क्या देते हैं, खेल पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जो खेल पुरस्कार भी दिए जाते हैं, ठीक है, इसी दिन दिए जाते हैं आपके, कब? 29 अगस्त को। अगला प्रश्न ये रहा, किस राज्य सरकार ने सीएम उद्योग खिलाड़ी विद्यार्थी, यहां पर क्या दिया गया, किस राज्य सरकार ने सीएम उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत करी है? तो ये की गई किसके द्वारा? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो धामी जी के द्वारा की गई, ठीक है ना, पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा की गई। हाल ही में चर्चा में रही लिंथोई चंदबम विद्यार्थियों किस खेल से संबंधित है? लिंथोई चंदबम विद्यार्थियों किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित आपके किससे? जूडो से संबंधित है। किससे संबंधित आपका? जूडो से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेगा, इंडिया इकोनॉमिक फ्रॉम नेहरू टू विद्यार्थियों, इंडिया इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री, ये किसके द्वारा लिखी गई बुक है? तो ये लिखी गई आपका पुलाप्रे बाला कृष्णन के द्वारा लिखी गई, पुलाप्रे बाला कृष्णन के द्वारा लिखी गई है। अगला, ड्रीम सेट गो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ड्रीम सेट गो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो ड्रीम सेट गो के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो कौन बने हैं? सौरभ दादा को बनाया गया। ये बीसीसीआई के अध्यक्ष नहीं है, अब ये विद्यार्थियों बीसीसीआई के अध्यक्ष नहीं है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, ठीक है ना, लोसाने में जो डायमंड लीग हुई थी, तो देखिएगा लोसाने में जो डायमंड लीग हुई थी, तो इस खिताब में किसने? नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता, ठीक है, खिताब जीता आपका। अगला सवाल, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यह किया गया हमारे राजस्थान में। राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्रा यहाँ के। तो ध्यान दीजिएगा, पानी नहीं है तुम, पानी चलो अब तो चाहिएगी, चलेगा। तो देखिएगा अगला सवाल, देखिएगा किस राज्य सरकार ने राज्य में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर अमेरिका स्थित, देखिएगा पार्ले फॉर द ओशंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, ठीक है, ऐसा पूछा गया आपका, चलेगा। तो किस राज्य सरकार ने, देखिए किस राज्य सरकार ने, किस राज्य सरकार ने, तो ये राज्य सरकार आपके कौन से? आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, आज के दिन में आपको आंध्र प्रदेश भेजू ना, आज के दिन विद्यार्थियों आपको आंध्र प्रदेश भेजू तो ध्यान रखेगा, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम भी है। कौन सा आएगा? विशाखापट्टनम। सर विशाखापट्टनम जिसे डेस्टिनी शहर के नाम से भी जानते हैं, जिसे किसके नाम से? डेस्टिनी शहर। और ये साउथर्न कोस्ट रेलवे जो भारत का 18वां रेलवे जोन है ना, 18वां रेलवे जोन का मुख्यालय भी है, 18वें रेलवे जोन का मुख्यालय भी है। अगला सवाल, नागेश सिंह को किस देश में
भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला राजदूत नियुक्त किया गया है तो कहां पर? थाईलैंड के अंदर। थाईलैंड की कैप जो करेंसी है विद्यार्थियों क्या है? बहत। अगर भात खाना है तो कहां जाना है? थाईलैंड जाना है, ठीक है ना। थाईलैंड जाना है, भात खाना तो कहां जाना है? थाईलैंड। अगला प्रश्न देखेगा दिलीप कुमार। दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ अ लेजेंड। दिलीप कुमार इन द विद्यार्थियों शैडो ऑफ अ लेजेंड, ये जो पुस्तक के लेखक है ना कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? फैजल विद्यार्थियों फारूकी। फैजल फारूकी, फैजल क्या आएगा? फारूकी आएगा, ठीक है। तो देखिएगा बिल्कुल सुमंग लीला महोत्सव, सुमंग लीला महोत्सव 2021-22 किस राज्य में शुरू हुआ था? सुमंग लीला विद्यार्थियों उत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ था, ठीक है ना। तो सुमंग लीला उत्सव 2022 विद्यार्थियों किस राज्य में? तो ये कौन से राज्य में? तो ये हमारे मणिपुर में। और मणिपुर में अगर आप जाते हो ना तो मणिपुर में विद्यार्थियों और कौन सा मनाया जाता है आपका? तो यहां पर संगाई उत्सव भी मनाया जाता है। कौन सा आएगा आपका? संगाई उत्सव भी मनाया जाता है। कहां पर? पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर में। मणिपुर में संगाई उत्सव भी आपका मनाया जाता है, ठीक है। मणिपुर के सीएम कौन है अभी? मणिपुर के गवर्नर कौन है अभी, ठीक है ना। तो मणिपुर के जो सीएम है ना इनका नाम क्या आपका? एन वीरेन। और गवर्नर कौन है? ला गणेशन। ला गणेशन यहाँ के क्या हो गए? आपके गवर्नर होंगे, ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न देखेगा विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का नेतृत्व कौन सी इंडियन एयरलाइंस एक स्थायी पहल में शामिल हुई है? देखिएगा तो कौन सी हुई आपकी? तो ये इंडिगो, इंडिगो, ठीक है ना, इंडियन एयरलाइंस विद्यार्थियों इंडिगो। चलिए अगला सवाल देखिए, द हीरो ऑफ टाइगर हिल, द हीरो ऑफ विद्यार्थियों टाइगर हिल, ठीक है। पुस्तक किसने लिखी है? द हीरो ऑफ विद्यार्थियों टाइगर हिल जो पुस्तक लिखी गई आपकी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई योगेंद्र सिंह यादव के द्वारा लिखी गई, योगेंद्र सिंह यादव के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। जितने भी बच्चे यहां पर उपस्थित हैं सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगला सवाल देखिएगा, कृषि उत्सव नुआखाई कौन से विद्यार्थी हो? तो नुआखाई, नुआखाई भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो नुआखाई आपका कहां पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा उड़ीसा राज्य में, ठीक है ना। यहीं पर उड़ीसा में आपका बाली उत्सव भी मनाया जाता है, नुआखाई बाली उत्सव उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न देखिएगा, समर्थ पोर्ट देखे, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च ई गवर्नेंस पोर्टल। देखिएगा राज्य के द्वारा एक विद्यार्थियों ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या रखा गया? समर्थ। तो ये समर्थ लॉन्च किया किसने? समर्थ किया गया किसके द्वारा? उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा, समझो, उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। कौन सा देश विद्यार्थियों सितंबर में क्वाड ग्रुपिंग, ठीक है ना। तो देखिएगा वैसे क्वाड जो बैठक हुई ना आपकी, क्वाड, क्वाड क्या है? क्वाड्रिलेटरल जो आपका डायलॉग ग्रुप है क्वाड, इसमें चार देश आते हैं आपके, कौन कौन से? एक तो ऑस्ट्रेलिया, दूसरा यूएसए, तीसरा इंडिया, चौथा
अमेरिका, ये चार देश आते हैं विद्यार्थी इसमें, ठीक है, इन चार देशों अच्छा ये जापान है विद्यार्थी, ये जापान है, ठीक है। तो 2022 में जो बैठक हुई आपकी क्वाड बैठक कहां पर, जापान में, लेकिन क्वाड की एक ग्रुपिंग बैठक जो भारत ने भी होस्ट किया, ठीक है, ये विद्यार्थी भारत ने भी होस्ट किया इस बार। वैसे सभी बैठक आपके कहां पर, जापान के अंदर आयोजित हुई। चलेगा नेक्स्ट सवाल देखिएगा, किस राज्य ने, राज्य में छात्राओं के लिए पुतमई पेन विद्यार्थी यानी आधुनिक महिला योजना शुरू करी है, तो यह की गई हमारे तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा की गई, तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा इस तरह की योजना को लाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है, हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहां पर होगा हमारा, तो ये ओडिशा के अंदर होगा, कहां पर, ओडिशा में। सर ओडिशा में भी कहां पर होगा, दो जगहों पर होगा, एक होगा आपका भुवनेश्वर के अंदर और दूसरा राउरकेला के अंदर। भुवनेश्वर में कौन से स्टेडियम में होगा, तो ये कलिंगा, और यहां विद्यार्थियों कौन सा, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा स्टेडियम में इन खेलों का आयोजन होगा, ठीक है ना, बिरसा मुंडा चलेगा, ठीक है, राउरकेला में और चलेगा। प्रसिद्ध आपको जो लिंगराज मंदिर देखने को मिलती है, कौन सा है आपका, तो लिंगराज मंदिर देखने को मिलेगा, कहां पर देखने को मिलेगा, तो ये हमारे भुवनेश्वर के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है, भुवनेश्वर के अंदर ही देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखे, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में प्रत्येक वर्ष हम लोग कब मनाते हैं, तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है, 8 सितंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के कुछ सवाल, ठीक है, और देखिए विद्यार्थियों आप लोगों के लिए करंट अफेयर की रेगुलर क्लास चलती है, करंट अफेयर्स की रेगुलर क्लास चलती है आपकी सुबह 5 बजे, कब चलती है विद्यार्थियों, सुबह 5 बजे टॉपर्स का अड्डा पर, और जनरल अवेयरनेस की क्लास भी चलती है आपकी शाम को 5 बजे। यदि आपको लगता है कि देखिएगा हमें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर की क्लास को पढ़ना चाहिए, और जिसको समय पर लगता है कि हम लोग पढ़ दें, तो इन दो क्लासों को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, फ्री में है, यूट्यूब के अंदर आप लोग इसे पढ़ते हैं विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों की दो क्लासें डेली होती है, इन पर भी जरूर ध्यान दीजिएगा। जो बच्चे अब तक नहीं पढ़ पाए हैं चीजों को, तो आप आए ना उस क्लास में, देखिए सुबह आएगा, ठीक है, सुबह आप लोगों की क्लास होती है, चलेगा। तो देखिए अब आप लोग एग्जाम में जा रहे हैं, एग्जाम आपका अगले 2-3 दिन में सभी एग्जाम आपके हो जाएंगे, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको देखिएगा कौन कौन से संगठन के बारे में, जैसे ब्रिक्स के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है, जैसे विद्यार्थियों नाटो के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे कि अच्छा नाटा हो गया नाटो, जैसे कि विद्यार्थियों आसियान के बारे में हम लोग जानते हैं, जानते कि नहीं जानते हैं, ईयू के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है, ईयू के बारे में, उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग जानते हैं, हम यूएन के बारे में जानते हैं, हम वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते हैं, और हम आईएमएफ के बारे में जानते हैं। ये महत्वपूर्ण चीजें आपका हर एक एग्जाम में यहां से सवाल बनते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन ऑर्गेनाइजेशनों के बारे में जरूर पढ़िएगा, क्योंकि हर बार चर्चा में होते आकर यहां से सवाल आपका पूछता ही पूछता है, ठीक है, सुना ही नहीं हम लोगों ने चलेगा। तो मुझे जो जिम्मेदारी थी विद्यार्थियों, करंट अफेयर की जिम्मेदारी थी, तो मैंने आप लोगों को करंट अफेयर का कुछ हद तक कोशिश करी बताने की, और देखिए 2 दिन में कुछ नहीं होता, फिर 1 घंटा वो क्लास है, 2.5 घंटे की क्लास है, तो जहां जो बच्चा डेली सुबह 1-1 घंटे क्लास देखता है उनके लिए और आप लोगों के लिए मैं अंतर तो रहेगा, बस कुछ नहीं से कुछ तो सही की हमने कोशिश करी है, और प्रयास तो आपको भी करना पड़ेगा ना, जब रेगुलर क्लास में रहोगे तभी तो मैं आपको रिविजन करा सकता हूँ, इसमें ज्यादा से ज्यादा कितना करा सकता हूँ,
ठीक है ना। तो चलेगा, आज के इस सेशन को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। आप सभी लोग इसी तरह से क्लास में जुड़ते रहेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहेगा। जैसे जैसे विद्यार्थियों आप लोग लाइव बने थे तो आपको वीडियो को लाइक भी करना चाहिए था और आपने लाइक किया भी होगा, ठीक है। अगर नहीं किया तो अब जाते जाते वीडियो को लाइक करेगा। फिर मिलेंगे हम लोग कल सुबह 5 बजे करंट अफेयर की क्लास में, टॉपर्स कड्डा जो हमारा विद्यार्थी नॉन टेक्निकल का एक स्पेशल चैनल है, वहां पर हम नॉन टेक्निकल की क्लासों को देखते हैं, ठीक। तो चलिए आज के सेशन को ये समाप्त करें। जय हिंद, जय भारत, शाय नारा।